For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. बच्चों मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. और आज के इस वीडियो के लिए बेटा मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज्यादा खुश भी हूँ. बिकॉज ये एक वीडियो है बेटा जिसकी डिमांड मेरे पास, मैं कहूँ तो पिछले कई महीनों में सबसे ज्यादा आई थी. मैं जितनी भी वीडियोज अपलोड करता था, ऐसा शायद होता ही नहीं था कि उस वीडियो पे इस टॉपिक की डिमांड ना आती हो. और आज इसी टॉपिक को हम रिवाइज करने जा रहे हैं. और बेटा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज्यादा आसान है. बिकॉज आज की क्लास में जो हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अपना फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो वी आर गोइंग टू रिवाइज बेटा अपना फेमा. फेमा की सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर हम कवर करेंगे. और बेटा फेमा वैसे बहुत आसान कानून है, पर ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है. बिकॉज जब आप फेमा पढ़ते हो, आपको कंफ्यूजन हो जाता है. कुछ बातें जी एक्ट में लिखी है, कहीं कुछ रूल्स आते हैं, कहीं कुछ रेगुलेशन आती है, कहीं कोई मास्टर डायरेक्शन आती है, कहीं कुछ सर्कुलर्स आते हैं. ये सब चीजें क्या है? अगर आपको इन सब चीजों का लीगल सोर्स पता नहीं चलेगा कि फेमा में ये सब चीजें होती क्या हैं, बनती कैसे हैं, आप कभी भी फेमा की बातों को समझ नहीं पाएंगे. तो फेमा को समझना बड़ा आसान है, प्रोवाइडेड आपको बस ये समझना रहेगा फेमा को ड्राफ्ट कैसे किया गया है, यहां पर किस किस को कैसे कैसे पावर को एलोकेट किया गया. एक बार अगर आप वो फेमा के बेसिक समझ जाओगे, जिंदगी में आप कभी भी फेमा पढ़ने में दिक्कत नहीं पाओगे. बेटा मेरा ये पूरा कोशिश रहेगी कि आप जो रिविजन क्लास मेरे साथ यहां पर डिवोट करोगे, इसके बाद जिंदगी में दोबारा फेमा आपको परेशान नहीं करेगा. तो बेटा करते बड़ा बट से, और फेमा की रिविजन स्पीड में यहां पर करेंगे हम बेटा. तो फेमा की जो रिवीजन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, उसके लिए बेटा मैं आपके लिए अपनी कॉम्पैक्ट बुक का इस्तेमाल करूंगा, जो मैंने आपको सीए फाइनल लेवल पर कॉम्पैक्ट बुक दे रखी है, जिसमें आपका पूरा फेमा का जितना भी कानून है वो 6 पेजेस के अंदर समराइज्ड है. तो ये 6 पेजेस की एक समरी है. ये कॉम्पैक्ट बुक में आपको कंपाइल मिल जाएगी. आप हमारी वेबसाइट से igp.com अगर आपको चाहिए, आप ये कॉम्पैक्ट बुक ऑर्डर कर सकते हो. तो यहां से हमारा फेमा यहां पर रिवाइज होने वाला है. तो बेटा विदाउट एनी फर्दर अडू करते हैं फेमा को स्टार्ट. तो बेटा जो ये कानून फेमा है, पहले हमारे देश में फेमा की जगह एक कानून हुआ करता था जिसको हम कहा करते थे फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जी नहीं, हमें फॉरेन एक्सचेंजेस को आज के बाद अब रेगुलेट नहीं करना. हम हर एक ट्रांजैक्शन को इस तरीके से रेगुलेट नहीं करना चाह रहे. हम अब आज के बाद फॉरेन एक्सचेंज को क्या करेंगे, मैनेज. और उन्होंने मैनेजमेंट रोल अपनाया. तो पहले सरकार फॉरेन एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के रोल में होती थी, हर ट्रांजैक्शंस पर अपनी कड़ी नजर रखा करती थी. हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको सरकार की बातों को इंटरवेन करना पड़ता था. पर जैसे ही फेमा आया, फेमा ने पूरी अप्रोच ही बदल डाली और उन्होंने कहा जी अब गवर्नमेंट मैनेजमेंट रोल में है. हम लोगों पर विश्वास करेंगे कि वो फेमा के कंप्लायंस अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो हम यहां पर मैनेजमेंट रोल में आकर के आगे के बाद से फॉरेन एक्सचेंजेस को करेंगे रेगुलेट. तो ये पहला बेसिक पॉइंट था कि फेरा को रिप्लेस करके फेमा आया था और अब फेमा का जो है वो मैनेजमेंट करते हैं. हमारे देश में जो सरकार है वो रेगुलेट ना करके फेमा को करेगी मैनेज. अगली बात बेटा, फेमा में मैनेजमेंट एक्जैक्टली होती कैसे, या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पिक्चर में कब आएगा? तो बेटा बेसिक सी बात है बेटा, आज अगर बाहर का कोई भी इंसान, लेट्स सपोज एक इंडिया के बाहर का पर्सन है जिसको मैं एक नाम दे देता हूं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. और लेट्स सपोज बेटा एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. लेट्स से एग्जाम्पल आ रहा है आपका सिंगापुर एयरलाइंस. तो ये कंपनी है जो सिंगापुर में ऑपरेट करती है, इंडिया की रेजिडेंट नहीं है, सिंगापुर में ही है. तो इट इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. आज ये एंटिटी चाहती है कि जी मुझको प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस है, मेरे सिंगापुर में प्लेन उड़ते हैं, तो मेरे को तो एयरलाइन सेक्टर की बड़ी अच्छी नॉलेज है. तो ये इंडिया के एयरलाइन बिजनेस के अंदर पेनिट्रेट करना चाहती है और ये एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर आना चाहती है. तो सवाल उठता है जी, क्या आज सिया आकर इंडिया में एयरलाइंस खोल के सीधा उसको कंट्रोल करके इंडिया के एयर स्पेस को ऐसी रेगुलेट कर पाएगा? तो द आंसर इज नो. सिया जब भी इंडिया में आना चाहेगा, उसे इंडिया में लानी पड़ेगी फॉरेन करेंसी, और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया में आ रहा है. तो इसको ये करने से पहले फेमा की बातें पढ़नी पड़ेगी. और जैसे ही बेटा सिया ने फेमा खोलकर पढ़ा, इसे पता चला अच्छा मुझे अगर इंडिया में एयरलाइन का बिजनेस करना है तो उस एयरलाइन के बिजनेस में सिर्फ 49% ही FDI अलाउड है. That is, मैं उस बिजनेस में 49% की ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकता हूं. लेट्स सपोज ऐसी बात फेमा में लिखी थी. इसका मतलब क्या है कि सिया आज अगर आप इंडिया के एयरलाइन बिजनेस में आना चाहते हो, और लेट्स सपोज बेटा एयरलाइन बिजनेस में आते समय सिया ने कहा जी इस एयरलाइन बिजनेस में 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए या एयरलाइन बिजनेस के लिए इन्होंने इंडिया में अपनी एक कंपनी ओपन करी, तो बेटा क्या सिया इस कंपनी में पूरा का पूरा 10,000 करोड़ दे सकती है? बेटा चाहे उसके पास फाइनेंशियली इतनी पावर हो, पर हमारी सरकार ने फेमा बनाकर क्या कहा, नहीं आप इंडिया में एयरलाइन बिजनेस को पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाओगे. और आप इंडिया में अगर कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश करते भी हो, उस कंपनी का मैक्सिमम कितना परसेंट आप होल्ड कर पाओगे? 49%. तो बेटा ये 49% की जो कैप लगाई गई, इससे एक्जैक्टली हुआ क्या, वो आज इंडिया के किसी भी एयरलाइन बिजनेस का 49% से ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती. कहने का तात्पर्य क्या है, आज अगर सिया को इंडियन एयरलाइन बिजनेस में आना है तो क्या उसे किसी डोमेस्टिक प्लेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी? द आंसर इज यस. फॉर एग्जाम्पल बेटा सिया ने हेल्प ली टाटा की और उसने कहा टाटा आप एक काम करिए, हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसका 51% आप होल्ड कर लेना, 49% हम होल्ड करेंगे, और बेटा इंडिया में एक जॉइंट वेंचर कंपनी हो गई, ओपन हो गई विद द नेम ऑफ टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड. और ये जो कंपनी है बेटा, ये इंडिया में प्लेन्स उड़ाती है विद द नेम ऑफ विस्तारा.
तो जो विस्तारा एयरलाइंस है, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, सिया ने इस तरीके से विस्तारा एयरलाइंस के अंदर 49% होल्ड कर रखा है, क्योंकि बेटा वो चाहकर भी विस्तारा का सारा कंट्रोल एक्वायर कर ही नहीं सकती, बिकॉज फेमा ने रोक लगा दिया। हमारी सरकार नहीं चाहती कि बाहर के लोग इंडिया के एयरलाइन बिजनेस को ऑपरेट करें, तो इस तरीके से बेटा फेमा प्रैक्टिकली काम करता है। लाइकवाइज फॉर एग्जाम्पल, आज मैं हूं इंडिया का रेजिडेंट, हूं आई एम ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और आज मैं चाहता हूं जी कि आज मैं जाकर के पाकिस्तान में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दूं, पाकिस्तान में मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद लूं, यूएसए में कंपनीज के शेयर्स खरीद लूं, यूएसए के किसी पर्सन से लोन ले लूं, दैट इज आज मैं बाहर के देश से फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करना चाह रहा हूं, मैं बाहर जाकर किसी कंपनी में अमेजोन के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूं, तो बेटा अगर इंडिया से पैसा बाहर जाएगा तब भी हमारी सरकार कहती है जी आपको फेमा पढ़ना पड़ेगा और फेमा का ध्यान आपको रखना है। कट शॉर्ट करके अगर मैं कहूं, जब भी इंडिया के बाहर से पैसा इंडिया में आता है या इंडिया से पैसा बाहर जाता है, हमें फेमा का ध्यान रखना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट बेसिक ऑफ फेमा। सेकंड बेसिक ऑफ फेमा का अगर मैं बात करूं, एक और सवाल जो मन में आ जाता है वो आ जाता है जी, जो हमारी करेंसी है दैट इज इंडियन रूपी, क्या हमारी करेंसी फ्रीली कन्वर्टेबल है या नहीं? आप बचपन में एक टॉपिक पढ़ते होंगे कि जो करेंसीज होती है ग्लोबली, या तो वो फ्रीली कन्वर्टेबल हो सकती है या तो नहीं। फ्रीली कन्वर्टेबल का क्या मतलब है बेटा? आज फॉर एग्जांपल मैं हूं, आई एम ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं और आज मैं चाहता हूं जी कि मैं इंडिया के बाहर कहीं घूमने फिरने जाऊं, और वो घूमने फिरने के लिए लेट सपोज मैं कह रहा हूं जी बहुत ज्यादा खर्चा होगा, मैं $300,000 का खर्चा करना चाहता हूं, तो बेटा इंडिया से बाहर अगर जाऊंगा तो इंडिया से बाहर मैं रुपए में तो खर्चा करूंगा नहीं, तो मेरे को यहां पर डॉलर्स की आवश्यकता पड़ेगी और मैं अपने देश से डॉलर अरेंज करने के बाहर जाकर इतना खर्चा करना चाहता हूं, तो जी क्या मैं ये काम बिना किसी से पूछे अपनी मन मर्जी से बिना किसी चीज का ध्यान रखे कर सकता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज रुपी जो है वो बेटा एक फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है। आप कभी भी अपने इंडियन रुपीस को एक फॉरेन करेंसी में किसी भी पर्पस के लिए मन मर्जी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको आज अगर फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है और आप हमारी सरकार से कह रहे हो जी लाओ मुझे डॉलर दे दो, ये पकड़ो रुपया, तो हमारी सरकार आपसे पहले आपका पर्पस जानेगी कि जी आप किस पर्पस के लिए ये डॉलर एक्वायर करना चाहते हो और क्या ये पर्पस फेमा में अलाउड भी है या नहीं। तो जब भी बेटा फॉरेन करेंसी मांगोगे तो ऐसे केस में आपको पहले फेमा पढ़ना पड़ता है और चेक करना पड़ता है फेमा में वो चीज परमिटेड है भी या नहीं। इसलिए जो रुपी है वो एक फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है, इट इज अ पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी। कि जी कुछ चीजों के लिए तो आप रुपी को बिना बात के फॉरेन करेंसी में मतलब बिना पूछे कन्वर्ट कर सकते हो, पर कुछ चीजों के लिए रुपी को कन्वर्ट करना या तो अलाउड नहीं है या ऐसा करने के लिए आपको लेनी पड़ेगी परमिशन। तो ध्यान रखना हमारी जो करेंसी रुपया है वो एक फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं होती, बिकॉज फेमा ने उसके ऊपर रोक लगा रखी है। आपको पहले चेक करना पड़ेगा वो पर्पस अलाउड भी यानी। अगला बेटा इसी टॉपिक में से एक पॉइंट निकल कर आता है, सर ये फॉरेन करेंसी क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फेमा में हम आगे जाए और फेमा की बातें पढ़े। बस एक लास्ट बेसिक पॉइंट कि सर व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन करेंसी, सर इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? आज अगर इंडिया में बैठे हुए हैं तो जो बच्चों हम सब के लिए जो डॉलर है, यूरोज है, पाउंड है, ये सब क्या हो जाते हैं? फॉरेन करेंसी। दैट इज इंडियन करेंसी के अलावा ग्लोबली जितनी भी करेंसीज है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। बेटा एक इंटरेस्टिंग बात क्या बनती है, आज अगर कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जांपल सिंगापुर एयरलाइंस, अगर वो फेमा पढ़ रही है, हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ रही है, तो सिया के लिए फॉरेन करेंसी क्या होगी? उसके लिए जो सिंगापुर डॉलर है वही फॉरेन करेंसी है, या उसके लिए फेमा में रुपया हो जाएगा फॉरेन करेंसी? तो ध्यान रखना बेटा फेमा में फॉरेन करेंसी को कैसे डिफाइन किया गया, रुपीस के अलावा ग्लोबली जितनी भी करेंसीज है वो हो जाती है आपकी फॉरेन करेंसी। मतलब अगर कोई PROIB फेमा पढ़ेगा और वो पढ़ रहे जी वहां पर एक वर्ड फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल है, तो उसके लिए फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होगा? डॉलर, पाउंड एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज अपार्ट फ्रॉम रुपी। सर इसका लॉजिक क्या है कि बेटा हमारा फेमा ड्राफ्ट कैसे किया गया? हमारा फेमा इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है तो उसे फॉरेन करेंसी में डील करते वक्त कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह कंप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसे अगर फॉरेन करेंसी में डील करना है उसका फॉरेन करेंसी में डील करना आसान होगा, बिकॉज वो इंडिया के बाहर का बंदा है और इंडिया से बाहर की ही करेंसी में डीलिंग करना चाह रहा है, तो उसके लिए फॉरेन करेंसी में डील करना ईजी है। हमारे लोगों के लिए फॉरेन करेंसी में डील करना मुश्किल होगा, इस तरीके से फेमा की ड्राफ्टिंग की गई। तो ध्यान रखना फेमा में फॉरेन करेंसी का मतलब क्या, एनी करेंसी अदर देन रुपी। तो बेटा ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो फेमा के लिए आप ध्यान रखेंगे, और विद दीज बेसिक्स अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस पर कि हमारे सिलेबस में फेमा की कवरेज कैसे कैसे। तो बेटा हमारे सिलेबस में जो फेमा कवर किया गया है पूरे फेमा को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, दैट इज अगर आप पूरे फेमा को तीन टॉपिक्स में डिवाइड कर दोगे फेमा बड़ा आसान है। सबसे पहला टॉपिक जो यहां पर आपको पढ़ना है वो कौन सा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, बिकॉज इस छोटी सी डिस्कशन में ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल बेटा मैंने कई बार कर दिया कि जी PRI या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इनका मीनिंग क्या होता है। पहला एस्पेक्ट फेमा का ये है,
दूसरी चीज फेमा में जो हमें सीखनी है वो सीखनी है बेटा कुछ कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, दैट इज फेमा में आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हो उनको कैटेगराइज किया जाता है या तो कैपिटल में या करंट अकाउंट में, सेकंड टॉपिक किया जाता है। एंड फाइनली बेटा लास्ट टॉपिक यहां पर आता है फेमा का एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे देश में फेमा को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, फेमा का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज चेक कैसे होती है, तीसरा एस्पेक्ट आता है ये। तो बस यही तीन टॉपिक्स यहां पे है जिससे हमारा फेमा का पूरा एक्ट यहां पर कवर हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले आ जाते हैं अपने मीनिंग ऑफ द टर्म पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड आउट साइड इंडिया। तो बेटा आते हैं अपनी कॉम्पैक्ट बुक पर और फेमा की सारी बातें कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इसने ये कहा कि जी फेमा जो है वो पूरे के पूरे इंडिया पर अप्लाई करता है। आज अगर कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी आउटसाइड इंडिया है जिसको कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कंट्रोल कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटा इंडिया के बाहर कोई ब्रांच खोल दूं और उस ब्रांच से भी कोचिंग सर्विसेज देने लग जाऊं, रिलायंस अपनी कोई ब्रांच ओपन कर दे, तो बेटा ये जितनी भी ब्रांचेस आप खोल रहे हो उन ब्रांचेस पर भी फेमा की बातें अप्लाई करेगी। एंड जी यहां पर फॉरेन करेंसी का मतलब क्या, एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। और बेटा जो पहला टॉपिक हमारा फेमा का आ रहा है वो आ रहा है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। बेटा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हम किसको बोलते हैं, जो पीआरआई नहीं होता। तो लॉ ने PROI को कैसे डिफाइन किया, जो PROI नहीं है वो ऑटोमेटिकली PROI है। तो हमें क्या सीखना है, बस कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया किसे माना जाएगा। बेटा सिंपली स्पीकिंग पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया समझने से पहले हमें एक वर्ड क्या समझना है, पर्सन, क्योंकि यहां पर एक वर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया गया। तो फेमा में बेटा पर्सन में कौन कौन आता है, ये डेफिनेशन आपको थोड़ी पड़ी पड़ी से लगेगी। पर्सन में कौन कौन आएगा, एक इंडिविजुअल भी आएगा, HAF भी आएगी, कंपनी भी आएगी, पार्टनरशिप फर्म भी आएगी, AOP, BOI भी आएगा, whether incorporated or not, artificial juridical person भी आएगा, that is जैसी जैसी person की definition आपने income tax में पढ़ी थी, same inspired definition यहाँ पर है, बस यहाँ पर एक point अलग है, क्या? Any agency, office या branch controlled by such person, ध्यान रखना बेटा ये बहुत बड़ा point है, क्योंकि अगर FEMA में बाहर का कोई इंसान इंडिया में एक branch open करता है, तो ये law कह रहा है जी branch को भी हम एक अलग person मानेंगे। Likewise, हम इंडिया के बाहर जाकर कोई ब्रांच खोल ले तो उसे भी फेमा में एक अलग पर्सन का दर्जा दिया जा रहा है। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता, इनकम टैक्स में बेटा ब्रांचेस की इनकम टैक्स रिटर्न अलग फाइल नहीं करते, बिकॉज अगर कंपनी की 10 ब्रांचेस भी रिटर्न सिर्फ एक जाती है, बिकॉज इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन में ब्रांच कवर्ड नहीं था, पर यहां पर आपका पर्सन के डेफिनेशन में ब्रांच को अलग से कवर किया गया है। तो ध्यान रखना फेमा में अगर किसी भी पर्सन ने कोई ब्रांच खोली है, ब्रांच को एक अलग पर्सन का दर्जा यहां पर दिया जाता है और उस ब्रांच के लिए भी आपको फेमा की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो बेटा पहला मीनिंग आया ऑफ द टर्म पर्सन। अब आ जाते हैं जी व्हाट डू वी मीन बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सिंपली स्पीकिंग बेटा किसी भी पर्सन को पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कब कहा जाएगा, जब उसका इंडिया के साथ कुछ नेक्सस है, वो इंडिया में काफी ज्यादा समय व्यतीत करता है, तो उसे बेटा तब माना जाएगा रेजिडेंट। तो बेटा आज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में कौन कौन आएगा, तो बेटा यहां पर एक तो पार्ट आता है जो इंडिविजुअल्स के लिए लिखा गया, फिर ये पार्ट आता है जो आपका कंपनीज एंड ब्रांचेस के लिए लिखा गया। तो पहले इंडिविजुअल वाली बातें समझते हैं, आगे वाली बातें समझना फिर बड़ा आसान है। तो जी किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को पीआरआई कब माना जाएगा, तो लॉ ने क्या कहा जी पीआरआई बनने की एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंडीशन नंबर वन तो है ये, इसको ध्यान से समझना। इसने कहा जी आप पीआरआई तब माने जाओगे जब आप इंडिया से कम कितने दिन रहे हो, मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज पिछले साल अगर आप इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहे तब करंट ईयर में आप क्या कहलाओगे, पीआरआई। अब जैसे बेटा आप ये पढ़ते हो आप इसको कई बार इनकम टैक्स से कंफ्यूज करते हो, ध्यान रखना इनकम टैक्स और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सर क्या अंतर है, इनकम टैक्स में बेटा रेजिडेंट कब बनते थे, अगर आप एग्जैक्ट 182 डेज भी इंडिया में रहते थे आप रेजिडेंट बन जाते थे, पर फेमा में क्या लिखा है, मोर देन 182, मतलब यहां पर एग्जैक्ट 182 डेज से आप रेजिडेंसी एक्वायर नहीं करते, आपको मिनिमम 183 डेज तो रहना पड़ेगा। तो यहां पर टर्म इस्तेमाल है मोर देन 182, ये एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या बेटा, इनकम टैक्स में लेट सपोज आपका प्रीवियस ईयर 22-23 आज चल रहा है, तो 22-23 वाले साल में आप रेजिडेंट हो या नहीं उसके लिए आपका 22-23 वाले साल का ही स्टे चेक किया जाता था, पर फेमा में ऐसा नहीं है। फेमा कह रहे हैं जी 22-23 वाले साल में आप रेजिडेंट हो या नहीं इसके लिए हम आपकी रेजिडेंसी कब की देखेंगे, 21-22 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। तो फेमा और इनकम टैक्स में जमीन आसमान का अंतर है, इन चीजों को ध्यान रखना। तो यहां पर पहला लिम तो क्या आया कि आपको इंडिया में कम से कम 182 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब मैं बेटा आपके साथ कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, बड़े ध्यान से इनका आंसर करिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा पहले लिम ने क्या कहा, आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहना। तो लेट्स सपोज बेटा ये मार्च है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 आ रहा है, और 19-20 में भैया मैं चाहूंगा एक बार फुल स्क्रीन कर देना प्लीज, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में मैंने आपको बताया ये पर्सन इंडिया में रहे थे फॉर 183 डेज। अगर बेटा 183 डेज के लिए इंडिया में थे तो क्या करंट ईयर में ये पीआरआई हो जाएंगे, यस ही विल बी डीम्ड एज अ रेजिडेंट। अगला कैसा है बेटा, पिछले साल में ये इंडिया में रहे तो थे पर ये इंडिया में रहे थे सिर्फ 182 डेज के लिए, एग्जैक्ट 182, तो क्या करंट ईयर में रेजिडेंट बनेंगे, द आंसर इज नो, इस केस में रेजिडेंट नहीं बनेंगे, 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा केस इंपॉर्टेंट है इसका ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल बेटा पिछले साल इंडिया में रहे तो थे पर ये पहले इंडिया में रहे 90 दिन के लिए फिर बाहर चले गए,
फिर वापसी आए, फिर इंडिया में रहे, फिर से 90 डेज के लिए, फिर बाहर चले गए, फिर इंडिया में और रहे 50 डेज के लिए। मतलब ये इंडिया में इन टोटलिटी 230 डेज के लिए रहे थे, पर इनका वो स्टे कंटिन्यूअस नहीं था। तो बेटा क्या वो स्टे कंटिन्यूअस होना जरूरी है? द आंसर इज नो, आपको कंटिन्यूअस नहीं, आपको पूरे साल में 182 डेज से ज्यादा रहना होता है। इसलिए बेटा करंट केस में क्या ये रेजिडेंट बन जाएंगे? द आंसर इज यस। अगला और लास्ट केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन है बेटा एंड ही सिटीजन ऑफ यूएसए, दैट इज ये इंडिया के सिटीजन नहीं है, यूएसए के सिटीजन है, पर पिछले साल ये इंडिया आए थे बेटा और ये इंडिया में रह रहे थे 183 डेज के लिए। क्या बेटा करंट ईयर में इन्हें रेजिडेंट माना जाएगा? ध्यान रखना बेटा द आंसर इज यस। दैट इज फेमा में आप रेजिडेंट हो या नहीं, क्या उसका आपकी सिटीजनशिप से कोई भी लेना देना है? द आंसर इज नो, सिटीजनशिप यहां पर हमको देखनी नहीं, दैट इज सिटीजनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप रेजिडेंट है या नहीं उसके लिए आपका स्टे पीरियड चेक किया जाता है, और यही बात बेटा यहां पर मेंशन भी है कि आप रेजिडेंट हो या नहीं उसके लिए आपकी सिटीजनशिप रेलिवेंट नहीं होती, तो सिटीजनशिप इज नॉट अ रेलिवेंट क्राइटेरिया। तो यह बेटा पहली बात, और दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो लाने का ये कंडीशन तो पूरी होनी जरूरी है, तभी आप कहलाओगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। पर जैसे ही बेटा लॉ ने बात कही, उन्होंने कहा बट इट डज नॉट इंक्लूड, लॉ मेकर ने ये कंडीशन पूरे होने के बावजूद कुछ लोगों को रेजिडेंट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा जी चाहे आप पिछले साल इतने दिनों से ज्यादा इंडिया में रहे हो, दो लोगों को हम रेजिडेंट नहीं मानेंगे, जिसमें बेटा सबसे पहला किसे कवर किया गया? इट डज नॉट इंक्लूड एक ऐसा पर्सन जो आज इंडिया के बाहर चला जाता है इन तीन पर्पसेस के लिए। इन तीन पर्पसेस के लिए बेटा हमने एक निमोनिक बनाया, EBU। E से क्या बना? एम्प्लॉयमेंट। बी से क्या बना? बिजनेस या वोकेशन। या यू से क्या बना? अनसर्टेन पीरियड। तो आज बेटा कोई इंडिया का पर्सन, लेट्स सपोज मैं हूं, मैं पिछले साल तो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा था, पर आज मैं साल के बीच में लेट्स सपोज यूएस शिफ्ट हो गया बिकॉज मुझे यूएस में एक बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी, तो बेटा आज मैं यूएस जाकर सेटल हो गया। तो लॉ कह रहा है जी इस केस में इवन तो आप पिछले साल इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहे थे, पर क्योंकि आज आप इंडिया के बाहर ईबीयू के लिए सेट हो गए हो, तो इवन तो 182 डेज का स्टे है, पहली कंडीशन चाहे मीट क्यों ना हो रही हो, हम आपको इस केस में क्या मानेंगे? PROI, दैट इज आप रेजिडेंट की डेफिनेशन से हो जाओगे बाहर। इस पॉइंट को समझने के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा कोई पर्सन है, आज वो पिछले साल इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहा था, पर आज इंडिया के बाहर चला गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, या अनसर्टेन पीरियड के लिए। अनसर्टेन पीरियड का क्या है मतलब है? फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं यूएस गया और मुझे यूएस का ग्रीन कार्ड मिल गया। ग्रीन कार्ड मिल गया इसका क्या मतलब है? मैं जल्दी से तो इंडिया शायद वापसी आने नहीं वाला, तो मैं कितना टाइम बाहर रहूंगा वो पीरियड यहां पर डिसाइडेड ही नहीं है। तो जी इस केसेस में इसको हम बोल देते हैं अनसर्टेन पीरियड। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल बेटा, लेट्स सपोज ये मार्च है, फुल स्क्रीन कर देना प्लीज। ये पिछले साल तो इंडिया में बेटा 182 डेज से ज्यादा रहे थे, पर आज ये इंडिया के बाहर चले गए हैं फॉर दी पर्पस ऑफ EBU, और ये यूएस से जाकर शिफ्ट हो गए एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड के लिए। तो सवाल उठता है बेटा जैसे ही मैं इंडिया के बाहर शिफ्ट हुआ तो ऐसे केस में बेटा मैं क्या बन जाऊंगा? PROI। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट बेटा, मैं जैसे EBU के लिए बाहर जा रहा हूं मैं PROI कब से बनूंगा? ध्यान रखना बेटा जिस दिन मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं उस दिन से मैं PROI बनूंगा। कहने का तात्पर्य क्या है? इस करंट ईयर में जब तक मैं इंडिया के बाहर नहीं गया था तब तक तो मैं क्या था? तब तक मैं था PROI, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। पर आज जैसे ही मैं इंडिया के बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा, द मोमेंट आई एम शिफ्टिंग, मैं क्या बन जाऊंगा? PROI। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इनकम टैक्स से अलग है। इनकम टैक्स में बेटा आप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होते थे पूरे साल के लिए, फेमा में ऐसा नहीं है। क्या फेमा में ऐसा हो सकता है कि एक साल के कुछ टाइम के लिए तो आप रेजिडेंट थे और कुछ टाइम के लिए नॉन रेजिडेंट हो गया? बेटा यहां पर संभव है। तो ध्यान रखना फेमा में आपकी जो रेजिडेंसी है वो कंप्लीट ईयर के लिए डिसाइड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप हर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से चेक करते हो कि कोई पर्सन रेजिडेंट है या नहीं। और बेटा अगला कैसा है? ये इजी है। पिछले साल में इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहा था, ध्यान रखना पिछले साल ही साल खत्म होने से पहले मैं इंडिया के बाहर EBU के लिए शिफ्ट हो गया। तो ध्यान रखना लास्ट ईयर 1920 में मैं 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हूं, पर उसके बाद पिछला साल खत्म होने से पहले ही मैं इंडिया के बाहर शिफ्ट हो गया EBU के लिए। तो बेटा करंट पूरे ईयर में मैं ऑब्वियसली क्या रहूंगा? PROI। अगला जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, पिछले साल मैं जैसे ही साल के बीच में यहां पर शिफ्ट हो रहा हूं, तो जैसे ही मैं यहां पर साल के बीच में शिफ्ट हुआ, इस मोमेंट के बाद मैं पिछले साल के उस रिमेनिंग टेन्योर के लिए क्या कहलाऊंगा? बहुत ध्यान से आंसर करना। आप कहोगे सर पिछले साल 1920 में जैसे आप EBU के लिए शिफ्ट हुए उसके बाद आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? वो तो डिपेंड करेगा आपके 18-19 के स्टे पर। ध्यान रखना बेटा 18-19 के स्टे से क्या कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं 18-19 में 182 डेज से ज्यादा था भी, पर अगर करंट ईयर में मैं EBU के लिए बाहर चला गया, तो जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा बेटा मैं क्या बन जाऊंगा? PROI। कहने के लिए मैं शॉर्टकट के तौर पर क्या कह सकता हूं? अगर मैं इंडिया का पर्सन हूं
काफी टाइम से इंडिया रह रहा था, पर आज जिस भी पल मैं इंडिया के बाहर ईबीयू के लिए जाऊंगा उसी मोमेंट से मैं पीआर ओआई हो जाऊंगा, मुझे पिछले साल का स्टे वे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बेटा कट शॉर्ट करके इस बात को आसानी से हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप पिछले साल ज्यादा रहे थे नहीं रहे थे, पर आज अगर ईबीयू के लिए बाहर गए हो तो यू विल बी पीआर ओआई इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। आई होप बेटा ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो बेटा ये आपकी बात आ गई कि पीआर आई या पीआर ओआई कब कहलाएंगे। आते बेटा अगली बात पर, तो ध्यान रखना पीआरआई की डेफिनेशन में पहली बात है या पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या सीखी, आपको 182 डे से ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा। पर अगर आप आज इंडिया के बाहर चले जाते हो ईबीयू के लिए, तो ऐसे केस में इवन दो आप पिछले साल ज्यादा इंडिया में थे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम यहां पर आपको क्या मान लेंगे, पीआरओआई। अब आ रही है बेटा सेकंड इंपॉर्टेंट बात, इसको बड़े ध्यान से समझना। आज लेट सपोज बेटा कोई यूएसए का पर्सन है, वो पिछले साल इंडिया आया था और पिछले साल जब वो इंडिया आया उसने ये 182 डेज वाला क्राइटेरिया बाई चांस मीट कर दिया, मतलब वो पिछले साल 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रुका हुआ है, पर बेटा वो इंडिया आया था घूमने फिरने के लिए। फॉर एग्जांपल वो यूएसए का पर्सन है, घूमने फिरने का बहुत शौक है और कह रहे जी अब तो मैं इंडिया में अच्छे से समय लगाकर आऊंगा, पर मैं इंडिया में किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए या अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं जा रहा, मैं वेकेशन पर जा रहा हूं और मैं अगला 1.5 से 2 साल लेट्स इंडिया में स्पेंड करने वाला हूं। तो आज वो इंडिया आए तो हैं और इंडिया में वो 182 डेज से ज्यादा रुक भी गए थे, पर बेटा इंडिया वो किस लिए आए हैं, अदरवाइज देन फॉर ईबीयू। दैट इज अगर कोई बाहर का पर्सन इंडिया घूमने आया, पिछले साल उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा हो गया, पर वो इंडिया आया किस लिए है, ईबीयू के अलावा किसी पर्पस के लिए, तो ऐसे केस में भी हम उसे रेजिडेंट नहीं मानेंगे, वो रेजिडेंट की डेफिनेशन से हो जाएगा बाहर। दैट इज कहने का तात्पर्य क्या है, अगर कोई पर्सन 182 डेज से ज्यादा पिछले साल इंडिया में रहा था पर आज वो इंडिया आ गया था अगर ईबीयू के लिए, तब तो कोई टेंशन नहीं है, तब तो आप रेजिडेंट इन इंडिया हो। पर अगर आप इंडिया आए हो ईबीयू के अलावा किसी पर्पस के लिए, तो ऐसे केस में हम आपको रेजिडेंट के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करवाएंगे। यही बात बेटा समझते हैं इस एग्जांपल से भी। तो आते हैं अगले एग्जांपल पर और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज बेटा कोई पर्सन है हु हैज कम टू इंडिया और स्टेज इन इंडिया अदरवाइज देन फॉर ईबीयू, मतलब इंडिया आया तो लेट्स से घूमने फिरने के लिए, ईबीयू के लिए नहीं आया। तो अगर बेटा पिछले साल उसका इंडिया के अंदर लेट्स से स्टे था, वो इंडिया आया अदरवाइज देन फॉर ईबीयू, पर पिछले साल वो 182 डेज कंप्लीट किया ही नहीं, तो फॉर एग्जांपल पिछले साल के एंड में दिसंबर या जनवरी के आसपास आया और लास्ट ईयर उसका स्टे 182 डेज जितना हुआ ही नहीं, तो बेटा अगर 182 डेज का स्टे ही नहीं है, करंट ईयर में माथापच्ची करनी नहीं, वो क्या हो जाएंगे ऐसे केस में, पीआर हुआ है। पर अगर बेटा पिछले साल उनका इंडिया में स्टे लेट्स से 182 डेज से ज्यादा हो जाता, सॉरी माय मिस्टेक, इस केस को कवर कर लेते हैं, लेट्स सपोज वो इंडिया आए हैं फॉर ईबीयू, दैट इज ईबीयू के पर्पस के लिए इंडिया आए होते, पर पिछले साल उनका स्टे अगर 182 डेज से कम रहता, तो ऐसे केस में बेटा वो क्या कहला जाते, फिर तो वो आपके क्या रहते, पीआरओआई ही। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर इस बात को मैं कट शॉर्ट करूं, अगर कोई बाहर का पर्सन इंडिया आ रहा है पर पिछले साल का उसका स्टे 182 डेज या उससे कम रहा, तो ऐसे केस में आपको यह चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो ईबीयू के लिए आया या नहीं, बिकॉज यहां पर फर्स्ट लिंब या फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो ऐसे केस में तो आप हमेशा क्या हो जाओगे, पीआरओआई। बट कमिंग डाउन टू द सेकंड एग्जांपल, आप इंडिया आए एंड लेट्स सपोज बेटा आप इंडिया आए अदरवाइज देन फॉर ईबीयू और पिछले साल बाई चांस आपका स्टे 182 डेज से ज्यादा हो गया, पर वो कह रहे जी मैं इंडिया में काम धंधा तो करूंगा ही नहीं, मैं तो सिर्फ घूमने फिरने के पर्पस के लिए आया हूं, तो लॉ कह रहे जी ऐसे केस में इवन तो आपका स्टे 182 डेज से ज्यादा का है, पर यहां पर हम आपको क्या मान लेंगे, पीआरओआई। पर अगर आप इंडिया ईबीयू के लिए आए होते और आपका स्टे 182 डेज से ज्यादा हो जाता, तो ऐसे केस में तो बेटा डेफिनेटली आप क्या कहलाते, पीआरआई। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और बेटा इस रेजिडेंसी की पूरी बात को अगर मैं नटशेल में कहूं, नटशेल में हम क्या कह सकते हैं, अगर आज कोई पर्सन इंडिया का है, मैं हूं, मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं ईबीयू के लिए, तो जिस दिन मैं बाहर जाऊंगा बेटा उसी दिन मैं क्या बन जाऊंगा, पीआरओआई। क्या मुझे पिछले साल का कोई स्टे वे चेक करने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर मैं इंडिया के बाहर ईबीयू के लिए जा रहा हूं उसी मोमेंट पर मैं क्या बन जाऊंगा, पीआरओआई। अगर कोई बाहर का पर्सन इंडिया आ रहा है अदरवाइज देन फॉर ईबीयू, घूमने फिरने के लिए, तो इसमें भी अगर मैं कट शॉर्ट करके कहूं तो वो हमेशा क्या रहेगा, पीआरओआई, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टे, कि जी पिछले साल उसका स्टे 182 डेज था या नहीं था आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडिया घूमने फिरने ईबीयू के अलावा किसी पर्पस के लिए अगर आया है वो हमेशा क्या रहेगा, पीआरओआई। कट शॉर्ट करके आप ये बोल सकते हो। बस आता है ये लास्ट केस, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई बाहर का पर्सन इंडिया आया है ईबीयू के लिए, यहां पर हम क्या देखेंगे बेटा, अगर तो उसका पिछले साल का स्टे 182 डेज से लेस या 182 डेज का है, तो ऐसे केस में तो वो क्या रहेगा, पीआरओआई। पर अगर उसका पिछले साल का स्टे, ये नेक्सस, इंडिया में एक सब्सटेंशियल टाइम के लिए पिछले साल रहा होता, ये हो जाता पीआरआई। तो बेटा ये आपकी रेजिडेंट की
डेफिनेशन आ गई और कट शॉर्ट करके सारी बातें सिंप्लीफाइड वे में ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैं बाहर जिस दिन ईबीयू के लिए जाऊंगा उसी दिन से पीआरओ आए हूं, बाहर का इंसान इंडिया आएगा अगर ईबीयू के अलावा किसी पर्पज के लिए हमेशा पीआरओ आए है। अगर वो इंडिया आ रहा है ईबीयू के लिए तो आपको फर्स्ट लिम की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि जी 182 डेज से ज्यादा थे या 182 डेज से कम थे। अगर 182 डेज से ज्यादा थे और ईबीयू के लिए आए हो तब पीआर आए हो, पर अगर आप 182 डेज या उससे कम के लिए पिछले साल रहे थे तो आप आएंगे पीआरओ आए। ये बेटा रेजिडेंट की इंटरप्रिटेशन मेरी है और यही इंटरप्रिटेशन हमारा इंस्टीट्यूट भी काफी समय तक फॉलो करता रहा था। अगर मैं मई 2021 तक की भी स्टडी मैट की बात करूं, यही इंटरप्रिटेशन फॉलो होती थी सीए फाइनल लेवल पर सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा। पर बेटा जैसी मई 2022 का स्टडी मैट आया, यहां पर एक दिक्कत क्रिएट हुई और बेटा वो बात मैं समझाने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना बिकॉज बहुत सारे लोग उस बात में कंफ्यूज हैं। इंस्टीट्यूट ने बेटा क्या कॉन्ट्रारी स्टैंड लिया, इंस्टीट्यूट ने कहा जी ये पहली वाली बात तो ठीक है कि अगर आप बाहर जा रहे हो ईबीयू के लिए पीआर हो या रेजिडेंसी से फर्क नहीं पड़ता। दूसरे केस वाली बात भी ठीक है कि बाहर का कोई पर्सन इंडिया आ रहा है अगर वो ईबीयू के अलावा किसी पर्पज के लिए हमेशा पीआर हुआ है। पर जो कॉन्ट्रारी स्टैंड आया वो क्या आया, इंस्टीट्यूट ने कहा बेटा अगर कोई पर्सन बाहर का पर्सन इंडिया आया ईबीयू के लिए अगर तो पिछले साल उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा का था तो वो पीआर आए है, इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पर जो इंस्टीट्यूट ने अब स्टैंड अपना चेंज किया है, स्टैंड क्या चेंज किया, अगर कोई पर्सन इंडिया आ रहा है ईबीयू के लिए और पिछले साल अगर उसका स्टे 182 डेज या उससे लेस भी रहा था, इंस्टीट्यूट कह रहे हैं जी ऐसे केस में भी आप उसे क्या मान लेना, पीआर आए। तो ये एक ऐसा केस है बेटा जहां पर अब हमारा इंस्टीट्यूट एक कॉन्ट्रारी स्टैंड ले रहा है। सर पेपर के लिए क्या करना है बेटा वो आप देखना, आप बोर्ड ऑफ स्टडीज को मेल लिख सकते हो, बट दिस इज द लेटेस्ट स्टैंड टेकन बाय द इंस्टीट्यूट इन द मई 2022 वाला स्टडी मैट, वो मैंने आपको समझाया। इस स्टैंड के साथ बेटा मैं तवज्जो नहीं रखता, मैं तवज्जो क्यों नहीं रखता, उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि अगर बेटा इस केस में मैं ये कहूं कि अगर आपका पिछले साल का स्टे 182 डेज था या नहीं था आप हमेशा पीआर आए ही रहोगे, तो कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा, फिर बेटा ये जो 182 डेज के स्टे की बात लॉ में लिखी है इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर हम इस केस में ये कह दें कि अगर कोई पर्सन इंडिया ईबीयू के लिए आ रहा है तो जिस दिन ईबीयू के लिए आओगे रेजिडेंट बन जाओगे, हमें स्टे देखना ही नहीं, तो बेटा फिर तो स्टे किसी भी केस में नहीं देखना। फिर तो लॉ मेकर एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या बना सकते थे, वो सिंपली ये कह सकते थे जी आज अगर इंडिया का इंसान बाहर ईबीयू के लिए जा रहा है रेजिडेंट आउटसाइड हो जाएगा, बाहर का इंसान इंडिया ईबीयू के लिए आ रहा है रेजिडेंट हो जाएगा, और बाहर का इंसान इंडिया अदरवाइज देन फॉर ईबीयू के लिए आ रहा है तो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। तो फिर तो 182 डेज के क्राइटेरिया का कोई यूज ही नहीं है, फिर तो हमें 182 डेज देखना ही नहीं चाहिए, हमेशा हमें सिर्फ क्या देखना चाहिए, ईबीयू। तो ये बेटा लॉ मेकर का इंटेंशन नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ ईबीयू देखना होता तो लॉ मेकर 182 डेज के नेक्सस कनेक्ट वाली बात लिखते क्यों, वो कह रहे जी पहले कनेक्ट साबित करो तभी रेजिडेंट बनाओगे, क्योंकि बेटा जो ईबीयू वाला क्राइटेरिया हम सिर्फ देखते हैं ये हम देखा करते थे फेरा में। तो जो फेमा से पहले हमारे देश में कानून था ना फेरा, वहां पर 182 डेज के स्टे की कोई बात ही नहीं थी, वहां पर सिर्फ ईबीयू की बातें चला करती थी। तो ये बात फेरा के लिए तो ठीक है जो स्टैंड लिया गया, बट बेटा फेमा जब बना, फेमा ने 182 डेज वाली बात स्पेसिफिकली लिखी है, तो इसलिए इस स्टैंड के साथ मैं यहां पर वेटेज नहीं रखता। मैंने आपको बता दिया क्या स्टैंड है। और दूसरी दिक्कत क्या बेटा, मई 22 में इंस्टीट्यूट का स्टैंड ये था तो सही, पर जो नवंबर 22 की एमटीपी या आरटीपी आई वहां पर इंस्टीट्यूट ने अपने जो आंसर्स दिए उस आंसर को इस पॉइंट से इंस्पायर करके इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया। अगर आप नवंबर 22 की एमटीपी आरटीपी उठाकर देखोगे वहां पर आपको रेजिडेंट के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वहां पर जो आंसर या सजेस्टेड आंसर आपको दिया गया है वो इस स्टैंड से इंस्पायर्ड नहीं है। तो ऑल द लेस मैं कहूंगा पूरी कंफ्यूजन यहां पर आज के दिन में है कि जी किसको रेजिडेंट मानू किसको रेजिडेंट ना मानू, बिकॉज अगर आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस पिक करोगे आपको उन क्वेश्चंस में भी ये दिक्कत फेस करने को मिलेगी। मैंने आपको अपना स्टैंड समझा दिया कि जी मेरे हिसाब से 182 डेज का स्टे मैटर करता है, पर इंस्टीट्यूट आज के दिन में कह रहा है जी 182 डेज के स्टे से कोई फर्क नहीं है, बाहर ईबीयू के लिए जाओगे नॉन रेजिडेंट हो गए, बाहर का पर्सन ईबीयू के लिए आएगा रेजिडेंट हो गया, बाहर का पर्सन अदर देन वेस्ट फॉर ईबीयू आएगा तो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। सम अप करके आज के दिन में इंस्टीट्यूट का ये स्टैंड है। आई हैव ट्राइड टू मेक myself क्लियर। आई होप बेटा ये पॉइंट आपको क्लियर है। आपको इस पॉइंट में क्या लगता है, कौन सा पॉइंट या कौन सा स्टैंड आपके हिसाब से ज्यादा लॉजिकल है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं भी देखता हूं बेटा आप किस स्टैंड को ज्यादा बेटर समझते हो। मेरा स्टैंड ये किस वजह से वो मैंने आपको समझाया, क्योंकि अगर मैं भी इंस्टीट्यूट के स्टैंड के साथ जाऊंगा फिर तो जो लॉ में 182 डेज वाली बात लिखी है इसका कोई फायदे नहीं रहेगा, फिर तुम सिर्फ ईबीयू देखेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन। तो बेटा ये आपका मीनिंग आ गया ऑफ पीआरआई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और ये बात बेटा लगी थी किसी रेजिडेंट के लिए। और ध्यान रखना रेजिडेंसी के लिए सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, और फेमा में जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो आप किसी पर्टिकुलर डेट पर चेक करते हो, पूरे साल का इकट्ठे रेजिडेंशियल स्टेटस यहां पर डिसाइड नहीं होता। अगली बात बेटा जो रेजिडेंट इन इंडिया के लिए लिखी गई, क्या लिखी गई, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया।
तो आज अगर कोई कंपनी या पर्सन इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो रहा है, फिर वो जहां मर्जी धंधा करे, अगर इंडिया में बने हो, हमारे देश की मिट्टी से जुड़े हो, आप हमेशा कह रहोगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट आया, एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया कंट्रोल्ड बाय अ PROI। तो अगर कोई बाहर की कंपनी है बेटा, इंडिया में आकर आज अपनी कोई ब्रांच ओपन कर देती है, मतलब इंडिया में काम तो कर रही है पर ब्रांच के थ्रू, फॉर एग्जांपल नोकिया टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड, तो बेटा ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फिनलैंड में इनकॉर्पोरेटेड है, पर इसने इंडिया में अपना लेट से कोई ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस या लाइजन ऑफिस ओपन कर रखा है। तो आज बेटा अगर ये इंडिया में एक ब्रांच ओपन करेगी, सबसे पहली बात, एक चीज आपको क्या क्लिक करनी चाहिए, ये कंपनी जैसी इंडिया में ब्रांच ओपन करेगी, इस पर कंपनीज एक्ट का कौन सा चैप्टर लगने लग जाएगा, फॉरेन कंपनी, क्योंकि अब ये क्या बन जाएगी, फॉरेन कंपनी। तो एक कंपनीज एक्ट की बातें भी मानेगी, पर ये ब्रांच खोलने से पहले इसे फेमा पढ़ना पड़ता है, और बेटा फेमा में आरबीआई ने अलग से रेगुलेशंस बना रखी है कि बाहर का पर्सन अगर इंडिया में ब्रांच खोलना चाहता है उसके क्या कायदे कानून है, वो भी फेमा में दिए हुए हैं। तो जैसे ही बेटा ये ब्रांच ओपन करेगी, लॉ कह रही है अगर आपने फेमा और कंपनीज एक्ट के हिसाब से ब्रांच खोल ली, इस ब्रांच को हम क्या मानेंगे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो इवन तो आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, पर क्योंकि ब्रांच फेमा में एक अलग पर्सन है, इस ब्रांच को हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का दर्जा दे देंगे, तो ये रहेगी बेटा आपकी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि इसे इंडिया में आने के बाद अब इंडियन करेंसी में लोकली डील करना है, ब्रांचेस तो इंडिया में काम करेगी, तो इसको हम रेजिडेंट का दर्जा दे देंगे। और सिमिलरली बेटा एक और बात लिखी गई क्या, कि आज अगर कोई इंडिया का पर्सन है वो इंडिया के बाहर जाकर ब्रांच खोल देता है, तो वो फेमा को डॉज ना कर दे, इसलिए उस वाली ब्रांच को जो आपने इंडिया से बाहर खोली है उसे भी माना जाएगा PRI, दैट इज एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया बाय अ PRI। फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर मैं कंपनी हूं, मुझे इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी डायरेक्टली खरीदना अलाउड नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने इंडिया के बाहर ब्रांच खोल दी, और कहा जी वो ब्रांच तो एक अलग पर्सन है, वो प्रॉपर्टी खरीद रही है, तो क्या वो चीज चलेगी, नहीं, लॉ ने कहा नहीं जी, अगर आप इंडिया के बाहर कोई ब्रांच खोलोगे वो ब्रांच भी क्या कहला जाएगी, आपकी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो अगर बाहर का पर्सन इंडिया में ब्रांच खोल रहा है, इंडिया वाली ब्रांच भी PRI है, और इंडिया का पर्सन बाहर ब्रांच खोल रहा है वो भी PRI है, और इन दोनों पॉइंट्स को मिक्स करके बेटा एक बार इंस्टीट्यूट ने एक सवाल बनाया था, बहुत ही मजेदार सवाल था, उसने कहा था बेटा आज सिंगापुर की एक कंपनी है, लेट सपोज उसने इंडिया में अपनी एक ब्रांच ओपन करी, तो मुझे इतना बता दो बेटा ये जो इंडिया वाली ब्रांच है ये ब्रांच क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली PRI, और बेटा ये जो इंडिया वाली ब्रांच थी इसने लेट सपोज USA में एक ब्रांच को कंट्रोल कर रखा है, तो USA वाली जो ब्रांच है वो सिंगापुर वाली कंपनी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही, वो अपनी ब्रांच के थ्रू उस ब्रांच को कंट्रोल कर रही है। सवाल उठता है बेटा इस USA वाली ब्रांच का स्टेटस क्या होगा, ध्यान रखना बेटा ये भी क्या हो जाएगी, PRI, बिकॉज ये कंट्रोल हो रही है इंडिया वाली ब्रांच से, इंडिया वाली ब्रांच एक PRI हो, और अगर कोई PRI इंडिया के बाहर किसी ब्रांच को कंट्रोल करता है वो भी क्या हो जाती है, PRI। इस पर एक बार सवाल बना हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और जो भी PRI नहीं होता वो ऑटोमेटिकली बेटा आपका क्या बन जाएगा, PROI। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, और ये बेटा हमारा फेमा का पहला लेग हुआ यहां पर समाप्त, कि जी व्हाट डू वी मीन बाय PRI एंड PROI। अब आते हैं बेटा फेमा के दूसरे लेग पर, जिसमें हम सीखते हैं फेमा के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें कैटेगराइज किया जाता है, या तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में, और ये एस्पेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भैया मैं चाहूंगा एक बार प्लीज फुल स्क्रीन कर देना। हाँ जी बेटा, तो अब मैं अगली बात क्या आ रही है, फेमा में आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करोगे, फॉर एग्जांपल बाहर का पर्सन इंडिया में पैसा ला रहा है या इंडिया का पर्सन बाहर पैसा लेकर जा रहा है, तो फेमा कहता है जी हम उन ट्रांजेक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, या तो वो होगी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन या वो होगी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर इनका मीनिंग क्या है, तो लॉ ने बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा जी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एक ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो इंडिया के अंदर किसी बाहर के पर्सन की एसेट या लाइबिलिटी सिचुएशन को अल्टर करे, या इंडिया के बाहर किसी इंडिया के पर्सन की एसेट या लाइबिलिटी सिचुएशन को अल्टर करे। मतलब अगर आज कोई PROI है उसकी इंडिया में अगर एसेट या लाइबिलिटी सिचुएशन अगर किसी ट्रांजेक्शन की वजह से अल्टर होगी उसे हम कैट कह देंगे, और लाइकवाइज कोई PRI है अगर उसकी इंडिया के बाहर एसेट या लाइबिलिटी अल्टर होती है उसे हम कह देंगे कैट। तो क्या कह रहे जी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन व्हिच अल्टर्स द एसेट और लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ PRI या इन इंडिया ऑफ PROI, उन्हें हम कह देते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और इसके अलावा अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो बेटा वो आपकी हो जाती है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, वो आपकी कहला जाती है CUAT, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब सवाल उठता है जी लॉ मेकर ने ऐसा बाइफरकेशन कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का क्यों किया, बिकॉज फेमा बेटा एक बेसिक प्रिमाइस पर बना हुआ है, और वो बेसिक प्रिमाइस क्या कहती है कि जी आज अगर कोई भी पर्सन फेमा में ट्रांजेक्शन करना चाहता है और वो ट्रांजेक्शन बाय चांस है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो फेमा क्या कहता है जी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर ऑलवेज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। मतलब आज अगर आप फेमा पढ़ रहे हो और आपको किसी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को करनी है, तो अगर तो फेमा में उस चीज की स्पेसिफिक इजाजत है
तब आप वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर पाओगे। अगर उस ट्रांजेक्शन के लिए फेमा में कुछ लिखा ही नहीं तो समझ जाना जी वो वाली ट्रांजेक्शन करना आपके लिए है प्रोहिबिटेड। तो जितनी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसके लिए फेमा क्या बोलता है जी, ऑलवेज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको फेमा में स्पेसिफिक परमिशन ढूंढनी पड़ेगी कि जी क्या ये फेमा में अलाउड है, इस एक्सटेंट तक अलाउड है। अच्छा जी 49% एफडीआई अलाउड है एयरलाइन सेक्टर में, इतनी ट्रांजेक्शन हम कर लेंगे। पर बेटा जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए फेमा क्या कहता है, उसके लिए फेमा कहता है जी ऑलवेज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। मतलब आज बेटा आपको कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल इंडिया के बाहर घूमने जाना है, इंडिया के बाहर कोई मेडिकल एक्सपेंस कराना है, कोई ट्रीटमेंट करवाना है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो बेटा आपने फेमा खोलकर पढ़ा और फेमा में लेट्स से इन ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं कि आप कर सकते हो या नहीं, तो इसका क्या मीनिंग है, आप ये ट्रांजेक्शन बिंदास कर पाओगे। क्योंकि अगर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए कुछ नहीं लिखा तो इट इज ऑलवेज परमिटेड। तो CUA 80 के लिए हम क्या पढ़ते हैं कि जी ये काम मैं कर तो सकता हूं पर फेमा में देखता हूं अच्छा जी कहीं रोक तो नहीं है। अगर फेमा में कोई रोक नहीं है बिंदास आप ये काम कर पाओगे। तो दिस इज द रीजन कि क्यों ट्रांजेक्शन को दो कैटेगरी में किया जाता है डिवाइड। अगर वो कैट है तो हमेशा प्रोहिबिटेड है अनलेस परमिटेड, और अगर वो CUAT है तो ऑलवेज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। और बेटा कैट को डिफाइन कैसे किया गया, उसने कहा जी आज अगर इंडिया में कोई PR आए है, अगर उसकी इंडिया के बाहर लेट्स से USA में या तो एसेट लायबिलिटी सिचुएशन ऊपर नीचे जाती है तो वो कैट है, या अगर आज कोई PROI है USA का पर्सन है और वो कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करे जिसकी वजह से उसकी इंडिया में एसेट या लायबिलिटी सिचुएशन अगर ऑल्टर होती है तब भी वो क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, वरना वो क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली करंट। अब बेटा मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स लगाने जा रहा हूं, आपको फटाफट से खुद से गेस करते हुए चलना चाहिए कि जी ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। आप चाहो तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में मेरा आंसर बताने से पहले लिखते चलना ट्रांजेक्शन नंबर 1 कैट थी CUAT थी, देखते हैं आप करेक्ट गेस कर पाओगे या नहीं। तो बड़ा केस स्टडीज की बात करें, सबसे पहला सवाल आपके लिए फटाफट से आंसर आपका आना चाहिए। फॉर एग्जांपल बड़े एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है और आज वो इंडिया के अंदर इंडियन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद बेच रहा है। तो बेटा जैसी वो इंडिया में कोई शेयर खरीदता है तो क्या उसका इंडिया में एक एसेट क्रिएट हो जाएगा, यस उसने इन्वेस्टमेंट करी। तो बेटा ये ट्रांजेक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, दिस विल बी क्लासिफाइड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। लाइकवाइज दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई PROI है, आज वो इंडिया के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो खरीदी थी वो बेचना चाह रहा है, तो जैसे ही आप खरीदोगे इंडिया में आपके एसेट बढ़ जाएंगे, जैसे उस प्रॉपर्टी को बेचोगे आपके एसेट घट जाएंगे, ये भी क्या होगी बेटा आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तीसरा एग्जांपल है बेटा एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है और आज वो इंडिया से उधार पर पैसा लेकर जाना चाह रहा है, वो कह रहा है जी मेरे देश में उधार सही नहीं मिलता मैं इंडिया से पैसा बोरो कर लेकर जाऊंगा। तो बेटा जैसे ही आप इंडिया से पैसा बोरो करोगे तो क्या आपकी इंडिया में एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, यस। और कल को अगर आप उस लोन को रीपे करोगे तो क्या इंडिया में आपकी लायबिलिटी खत्म होगी, यस। तो क्या आपकी लायबिलिटी सिचुएशन ऑल्टर हो रही है, यस, ये भी क्या हो जाएगी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कमिंग डाउन टू फोर्थ एग्जांपल, आज बेटा कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है और आज वो इंडिया के बाहर Amazon या लेट्स से Facebook किसी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। लाइकवाइज अगर इंडिया के बाहर किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाएगा ये भी क्या है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और लाइकवाइज अगर इंडिया का पर्सन इंडिया से पैसा बोरो ना कर बाहर से पैसा बोरो करता है, बाहर से पैसा अगर आप उधार पर लोगे ये भी क्या हो जाएगी बेटा आपकी एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और ध्यान रखना इस वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को कीजिए अगर आप इंडिया के बाहर से पैसा उधार पर ले रहे हो, इसको फेमा में नाम क्या दिया जाता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कि आपने इंडिया के बाहर से पैसा बोरो किया है तो फेमा में इसको बोल दिया जाता है ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो बेटा आपके 6 केसेस आए, चलते हैं अगले केस पर, बताना जी कैपिटल अकाउंट होनी चाहिए या करंट। अच्छा अगला केस बेटा, आपने इंडिया के बाहर से लोन लिया था, जैसे आप उस लोन को रीपे करोगे वो भी क्या होगा कैट, क्यों, जब लोन लिया तो आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हुई और जब लोन रीपे करोगे आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो ये क्या हो जाती है आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और बेटा अगर फेमा में इन सब ट्रांजेक्शंस के लिए लेट्स से कुछ नहीं लिखा हो तो ऐसे केस में क्या आप ये सारे काम कर पाओगे, नहीं, बिकॉज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर ऑलवेज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। तो ये सारे काम करने के लिए आपको फेमा में देखना पड़ेगा किस किस एक्सटेंट तक आपको क्या क्या परमिशन मिली हुई है। अगला केस आ रहा है बेटा, इसका जवाब बड़े ध्यान से देना, इसने कहा जी एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है और आज उसने इंडिया के बाहर से लोन ऑब्टेन किया और आज बेटा वो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है इंटरेस्ट आप चुका रहे हो, तो ध्यान रखना बेटा वो इंटरेस्ट चुकाना, तो वो आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो क्या इंटरेस्ट पे करने की वजह से आपकी कोई लायबिलिटी वगैरह ऑल्टर हो रही है, नहीं, इसे माना जाता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। लाइकवाइज बेटा बाहर की किसी कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और इंडिया वाली कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो जी डिविडेंड वगैरह पे करना भी आपकी क्या हो जाती है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो अगर आप लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड दे रहे हो, यह सब आपका CUAT में हो जाता है क्लासिफाई। आते बेटा अगले केस पर, अगला केस क्या करे, लेट सपोज एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है और आज इंडिया के बाहर घूमने जाना चाह रहा है, वो कह रहे जी इंडिया के बाहर यूएसए घूमकर आऊंगा, यूएसए घूमकर आने में लगभग मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, तो बेटा ये ट्रांजेक्शन जो है क्या इसकी वजह से उसकी इंडिया के बाहर कोई एसेट या लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है, नहीं, ये क्या है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन।
लाइकवाइज इंडिया के बाहर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा है, लाइकवाइज इंडिया के बाहर एजुकेशनल खर्चा करना चाहता है, लाइकवाइज बेटा वो इंडिया के बाहर उसकी कोई फैमिली मेंबर रहते हैं उनको खर्चे के लिए पैसा रेमिट करना चाह रहे हैं। ये सब बेटा आपके किस चीज के एग्जांपल आ गए, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के। और अदर वे अराउंड बाहर का कोई पर्सन इंडिया घूमने आएगा, बाहर का कोई पर्सन इंडिया में ट्रीटमेंट करवाएगा, ये सारी भी आपके क्या हो जाती है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो बेटा ये सब आपकी CU-80 की तरह होती है क्लासिफाई। और अगर फेमा में इन सबके लिए लेट से कुछ नहीं लिखा तो बेटा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अलाउड, बिकॉज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। सिंपल। आते बेटा अगले केस पर, इसका बड़े ध्यान से जवाब देना, केस नंबर 9। एक पीआर आया बेटा, उसने यूएसए से प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करी है फॉर कैश। इंस्टीट्यूट ने इस पर एक बार सवाल बनाया हुआ है कि आपने बाहर से प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट किया पर आपने कोई उधार नहीं रखा, इमीडिएटली आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और सामने वाली पार्टी की पेमेंट कर दी। बेटा अगर आप उस पार्टी को इमीडिएट पेमेंट कर देते हो तो क्या इंडिया के बाहर आपका कोई एसेट है, क्या आपकी इंडिया के बाहर कोई लायबिलिटी है? तो इसलिए अगर आप प्लांट एंड मशीनरी कैश के लिए इंपोर्ट करोगे तो बेटा ये आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके की करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो ध्यान रखना, पेमा में जो हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं उसको अकाउंट्स के या इनकम टैक्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर से मिक्स मत कर देना। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक अलग टर्म है, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है, पर ये करने की वजह से क्योंकि मैंने कैश में प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, मेरी इंडिया के बाहर कोई लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हुई, मेरे पास एक एसेट आज क्रिएट हुआ है इंडिया के अंदर और बाहर वाले का पैसा इमीडिएटली चुका दिया, तो ये कहां पर फॉल करेगी, आपकी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। तो इसलिए पेमा के अंदर जो कैट है वो नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर से अलग चलती है। आते हैं बेटा अगले केस पर, इसका भी ध्यान से जवाब देना, केस नंबर 10। लेट सपोज एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, यूएसए के किसी पर्सन से उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है पर अब की बार उधार पर। उसने कहा जी पैसा चुका दूंगा पर दो साल के बाद। तो बेटा अगर उधार पर मशीनरी खरीदोगे तो क्या आपकी बाहर एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? यस, आपका एक क्रेडिटर बाहर क्रिएट हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। पर फेमा ने कहा जी कई बार हम बाहर से प्लांट एंड मशीनरी मंगवाते हैं पर इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते, पर कुछ दो तीन महीने के क्रेडिट पीरियड के अंदर हम पेमेंट कर देते हैं, तो अगर इसको हमने कैट बना दिया तो ये ऑलवेज प्रोहिबिटेड हो जाएगी जब तक परमिटेड ना हो। तो इसलिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेकर के अगर आप बाहर से माल खरीदोगे और शॉर्ट टर्म के अंदर उसका पैसा चुका दोगे तो इवन दो वहां पर आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, पर फेमा ने आपको बेनिफिट देने के लिए क्या कहा, ऐसी ट्रांजेक्शन को हम बोल देंगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ताकि ये ट्रांजेक्शन आप कर पाओ। इसलिए फेमा क्या कह रहे जी, अगर आप क्रेडिट पर खरीदोगे तो इसलिए ये कैट है तो सही, पर अगर आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट पर इसको लोगे। सर शॉर्ट टर्म क्रेडिट का फेमा में क्या मतलब है, ध्यान रखना जी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट को डिफाइन किया गया 6 months। तो अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो और 6 महीने का ही उधार आपको मिला है तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, और इवन तो आपकी छोटी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है पर फेमा में इसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का दर्जा दे दिया जाता है ताकि ये वाली ट्रांजेक्शन आप कर पाए। पर सर अगर हम 6 महीने से ज्यादा का ट्रेड क्रेडिट ले लें कि जी मशीनरी मंगवाई तो है पर उसकी पेमेंट हम 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद करेंगे, फिर फेमा कह रहा है जी वो जाएगा आपका एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी है और आपको बाहर वाले का पैसा लेट से 1 साल के बाद चुकाना है, तो ये एक बोरोइंग की तरह है, इसको हम बोलते हैं ईसीबी या ट्रेड क्रेडिट। तो बेटा ये ईसीबी माना जाता है और ईसीबी रेगुलेशंस में करेगा फॉल, तो दिस इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो ध्यान रखना बेटा, फेमा में ट्रांजेक्शन को इस तरीके से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इट कैन बी कैट और इट कैन बी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। अब सर फेमा में कैटेगराइजेशन क्यों किया गया ये तो समझ में आ गया, पर अगली बात जो आपको समझनी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फेमा में बेटा एक तो फेमा का एक्ट है, एक्ट तो बनाया पार्लियामेंट ने, पर पार्लियामेंट ने उस एक्ट में ट्रांजेक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब हर इंसान ये ट्रांजेक्शन सही से कर रहा है नहीं, फेमा के हिसाब से कर रहा है नहीं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर पार्लियामेंट ने किसको दी जी, कभी कभी तो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ कुछ चीजों के एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है आरबीआई के पास। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आज आप फेमा में कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कायदा कानून बनाना है तो फेमा ने उसको रेगुलेट करने की पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसे बेटा रेगुलेट करती है सीजी। और ध्यान रखना बेटा, जब भी सीजी किसी काम को रेगुलेट करती है उसके लिए सीजी उस काम के लिए कुछ बातों को करती है प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, रूल्स। तो अगर फेमा में आपको, आप कभी भी फेमा का बेयर लॉ अगर खोल के देखोगे बेटा, वहां पर आपको एक्ट देखने को मिलेगा। एक्ट तो किसने बनाया, पार्लियामेंट ने, पर अगर उसमें आपको कहीं भी रूल्स देखने को मिल जाए तो समझ जाने रूल्स किसने बना रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कमिंग डाउन टू बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को बेटा रेगुलेट करने की पावर काफी सदियों से हमारे देश में सिर्फ होती थी आरबीआई के पास, जिसके लिए आरबीआई क्या बनाता है, रेगुलेशंस। तो अगर आप फेमा की बुक खोल कर पढ़ो और वहां पर आपको किसी भी चीज के आगे रेगुलेशन वर्ड देखने को मिल जाए तो ध्यान रखना रेगुलेशन होती है स्पेसिफाई, और रेगुलेशन को स्पेसिफाई करता है आरबीआई। पर बेटा अब ये बात थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब लोग क्या कहते हैं जी, फेमा में जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसको भी हम 2 कैटेगरी में करेंगे डिवाइड।
या तो वो एक ऐसी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो सकती है जो डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व वाली है, या वो हो सकती है नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट वाली। सर डेट और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल बेटा, आज बाहर का कोई पर्सन इंडिया में किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैसी? नॉन डेट, क्योंकि आप एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हो। पर अगर बाहर का कोई पर्सन इंडिया की किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदना चाह रहा है, तो ऐसे केस में बेटा अगर आप एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में लेट से पैसा लगाते हो, वो कहां चला जाएगा? डेट इंस्ट्रूमेंट में। और आज के दिन में पार्लियामेंट ने क्या कहा कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें कौन रेगुलेट करेगा? उन ट्रांजेक्शंस को रेगुलेट करेगा आरबीआई, पर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट वाली ट्रांजेक्शन को कौन रेगुलेट करता है? सीजी। तो ध्यान रखना बेटा, फेमा में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए आपको हमेशा रूल्स देखने को मिलेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नॉन डेट वाली के लिए भी आपको रूल्स देखने को मिलेंगे, पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन डेट इंस्ट्रूमेंट वाली के लिए आपको हमेशा क्या देखने को मिलेंगी? रेगुलेशंस। पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मोस्टली रूल्स में क्या लिख देती है कि जी इस ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करने की पावर मेरे पास है तो सही, पर मैं ये पावर कर रही हूं डेलीगेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स तो बना देती है पर रूल्स में उस बात को बताने की पावर कर देती है डेलीगेट टू आरबीआई। तो आज के दिन में बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट वाली बहुत सारी ऐसी हैं जिनके कायदे कानून आरबीआई ही बताता है, बस आरबीआई वो पावर डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करता, सीजी के थ्रू ड्रॉ करता है, बिकॉज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आरबीआई की पावर्स को आप देख पा रहे हो असर्व कर रही है। उनके पास आरबीआई को रेगुलेट करने की पावर आ गई कि पहले आरबीआई आप सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करते थे, पर अब सीजी कह रहे नहीं जी आरबीआई आप सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट वाली देखो, बिकॉज आप हमारे देश में प्राइमरी मार्केट या जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम कहे उसके रेगुलेटर हो, तो हमारे देश में जो मनी मार्केट बेटा आती है बेसिकली उसको आरबीआई आप रेगुलेट करते हो, इसलिए डेट वाली चीजें आप देखो, इक्विटी वाली चीजों को हम रेगुलेट करेंगे। हाँ हमारी मर्जी है, हम उसे डायरेक्टली भी रेगुलेट कर सकते हैं, हम आपको बोलकर आपसे भी रेगुलेट करा पाएंगे। दिस इज हाउ बेटा फेमा में द ट्रांजेक्शंस आर ड्राफ्टेड, और इस तरीके से फेमा को यहां पर ड्राफ्ट किया गया। आई होप मैंने आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी तो दूर करी हो, वरना बेचा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि जी एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होती है। तो ध्यान रखना, एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, रूल्स बनाए सीजी ने, और रेगुलेशंस किसने बनाई? आरबीआई ने। तो जी आज के बाद फेमा का बेयर लॉ कभी भी खोलो तो आप इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दिस इज हाउ फेमा इज ड्राफ्टेड। आ जाते बेटा अपनी कॉम्पैक्ट बुक पर, तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो जी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब, इट मींस अ ट्रांजेक्शन, सॉरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब पर आता है, माय मिस्टेक। तो इट मींस अ ट्रांजेक्शन जिससे एसेट या लाइबिलिटी ऑल्टर होती है। और बेटा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को लॉ ने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा इट मींस अ ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और इसमें क्या इंक्लूड होगा? फॉर एग्जांपल अगर आपने बाहर से शॉर्ट टर्म क्रेडिट पर कोई इंपोर्ट किया, मतलब 6 महीने में आप उसकी पेमेंट कर दोगे, ये एक टाइप की करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। आप इंडिया के बाहर अपने पेरेंट्स या रिश्तेदारों को पैसा भेजना चाह रहे हो, आप किसी लोन पर कोई इंटरेस्ट पे करना चाह रहे हो, कोई डिविडेंड पे करना चाह रहे हो, फॉरेन ट्रेवल, मेडिकल एक्सपेंसेस, इनका खर्चा बाहर जाकर करना चाहते हो, ये सब आपकी होती है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ध्यान रखना बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो डेट इंस्ट्रूमेंट वाली है उनको आज के दिन में कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अगर नॉन डेट वाली है उसे रेगुलेट कौन करता है? सीजी। एंड टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज रेगुलेटेड बाय सीजी। और ध्यान रखना भाई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। एंड आगे कह रहे जी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आपकी हमेशा ध्यान रखना प्रोहिबिटेड होती है अनलेस परमिटेड। दिस इज हाउ बेटा दीस ट्रांजेक्शन आर ड्राफ्टेड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। भैया प्लीज एक बार फुल स्क्रीन कर दीजिएगा, एक बार के लिए प्लीज फुल स्क्रीन करिएगा। अब बेटा हमें यह सीखना है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के बारे में लॉ मेकर ने क्या बातें लिखी हैं, फिर हम आएंगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पर। तो पहले हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और बेटा जब भी हमने कैट के बारे में सीखा था, हमने सीखा था लॉ में जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है उन्हें लॉ मेकर ने 3 कैटेगरी में किया हुआ डिवाइड। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी आती है? ऐसी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जिसको लॉ मेकर चाहकर भी प्रोहिबिट नहीं कर सकते, कि अगर लॉ मेकर चाहे कि हम इन ट्रांजेक्शंस को प्रोहिबिट करना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। फिर बेटा ऐसी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आती है जो लॉ मेकर द्वारा स्पेसिफिकली परमिसिबल है। एंड फाइनली आपकी आ जाती है रेजिडरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, उसके लिए लॉ मेकर क्या कहते हैं जी, बाकी सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आपकी अलाउड नहीं होंगी। तो पहले करके एक एक करके इन सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जिनको प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता, और बेटा जिनको भी हम प्रोहिबिट नहीं कर सकते उसमें सबसे पहला केस कौन सा आता है? आपका अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन एटसेट्रा। तो लॉ मेकर ने क्या कहा जी, नो रेस्ट्रिक्शन कैन बी इंपोज्ड फॉर पेमेंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन या डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन ट्रांजेक्शन को लॉ मेकर आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या बेटा, फॉर एग्जाम्पल आज कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है,
अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का यहां पर मतलब क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल बेटा, उसने इंडिया के बाहर से यूएस के किसी बैंक से, फॉर एग्जाम्पल यूएस बैंक से कोई लोन लिया था, और यहां पर लेट सपोज बेटा उन्होंने लोन लिया था 1 करोड़ USD का, और 1 करोड़ डॉलर का जब लोन लिया, आज बेटा जैसी इंडिया में ये लोन आएगा, आप एक चीज बताइएगा, क्या ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या ये 1 करोड़ USD को एज इट इज यूज कर सकता है? क्या वो इंडिया में डॉलर का इस्तेमाल करेगा? द आंसर इज नो. अब जैसी उसका इंडिया के बाहर से 1 करोड़ USD आ रहा है, आरबीआई कहेगा रुक जाओ. आरबीआई कहेगा जी ये पैसा आपको हमें दे करके आपको इस पैसे के बदले में से रुपी में करवाना पड़ेगा कन्वर्ट. सर क्या ये काम आरबीआई डायरेक्टली खुद करता है? नहीं बेटा, ये सारे काम करने के लिए आरबीआई ने यहां पर अपॉइंट कर रखे हैं कुछ ऑथराइज्ड पर्सन. फॉर एग्जांपल आपके एडी बैंक, ऑथराइज्ड डीलर बैंक. फॉर एग्जांपल यहां पर कोई बीच में बैंकर आ जाएगा और ये पीआर है, उस बैंकर को क्या कहेगा, देखो बैंकर आपके पास बाहर से यूएस के उस बैंक से 1 करोड़ USD रिसीव होंगे, मैं चाहता हूं वो यूएसडी आप रखना और उसके बदले में मुझे रुपीज में कन्वर्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट दे देना. तो बेटा अगर $1 का लेट से 80 रुपए चल रहा है तो वो 80 करोड़ रुपया उसे इंडिया के अंदर मिल जाएगा. तो वो इंडिया के एक बैंक को ये 1 करोड़ USD देता है, बैंक उसे कन्वर्ट करके इसे 80 करोड़ रुपीज दे देगा और इसे रुपीज टर्म में यहां पर यूज करना स्टार्ट कर देगा. ध्यान रखना बाहर से इंडिया में जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है उसे हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते, उसे हमें किसी बैंकर द्वारा कन्वर्ट करवाना पड़ता है एट दी प्रिवेलेंट रेट ऑफ एक्सचेंज. तो इसे हम कन्वर्ट कराते हैं बेटा और आज इस पर्सन को 80 करोड़ का लोन मिल गया. अब लेट्स सपोज बेटा ये इंडिया में 1 करोड़ डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज लाया, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व एक बार ऊपर गया और ये इस पैसे को इस्तेमाल कर रहा है. लेट्स से बेटा ये लोन था आपका 5 साल का और 5 साल के बाद आज इसे इस लोन की कोई इंस्टॉलमेंट या कोई अमाउंट चुकाना है और जी अब हमारी सरकार क्या कह रही है, सॉरी जी आपने लोन लिया था वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन थी, लोन लेना तो हमने अलाउ कर दिया, पर अब अगर आपको लोन रीपे करना है, ये इंसान कहेगा लाओ सरकार मुझे अपना आधा लोन चुकाना है, ये पकड़ो आप 40 करोड़ रुपए और मुझे बदले में लेट से यहां पर आप 50 लाख USD दे दीजिए, क्योंकि जब मैं लोन चुकाने जाऊंगा सामने वाला इंसान का रुपए से काम नहीं चलेगा. तो अब आप क्या करिए, मैं बैंक को कह रहा हूं बैंक मैं आपको यहां पर 40 करोड़ रुपीज दे रहा हूं, आप वो कन्वर्ट करके मुझे डॉलर्स में पैसा दे दो ताकि वो डॉलर का पैसा आगे चला जाए. ध्यान रखना बेटा डॉलर टेक्निकली हमें रिसीव नहीं होता, हम बैंकर को पैसा देते हैं, बैंकर कन्वर्ट करके सामने वाली पार्टी को डॉलर पे कर देता है. अब हमारे देश का फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है थोड़ा सा नीचे चला जाएगा ऑब्वियसली. तो बेटा जिस समय वो ये लोन रीपे करना चाह रहे हैं, हमारी सरकार कह रही सॉरी हम आपको ये लोन रीपे करने के लिए हम आपको डॉलर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम इस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं प्रोहिबिट. होगा क्या बेटा, अगर ये ट्रांजैक्शन प्रोहिबिट हो गई तो क्या ये यूएस बैंक का लोन चुका पाएगा? नहीं. यूएस बैंक हो सकता है इस पर्सन रेजिडेंट इंडिया पर इंसॉल्वेंसी का केस कर दे और इसे इंसॉल्वेंट करार करवा दे इंडिया के अंदर. इसलिए बेटा लॉ ने क्या कहा, अगर लोन लेते वक्त वाली ट्रांजैक्शन सरकार ने परमिट करी थी तो आज अगर आप उस लोन को पेबैक करना चाहोगे इस ट्रांजैक्शन को हमारी सरकार प्रोहिबिट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इसको प्रोहिबिट कर दिया गया तो आप अपना लोन कभी चुका नहीं पाओगे और आपको वो रिपरकशंस फेस करने पड़ जाएंगे. इसलिए अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन वाली ट्रांजैक्शन यहां पर प्रोहिबिटेड नहीं है. सेकंड कौन सा आया, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसका क्या मतलब है बेटा, आज इंडिया के अंदर कोई कंपनी है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, जैसे बोलिए एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है और आज इस पर्सन ने क्या किया, इसने इंडिया के बाहर किसी कंपनी के शेयर्स में किया इन्वेस्ट. लेट सपोज बेटा कंपनी का नाम आ रहा है मेटा और इसने मेटा के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, इसने मेटा के 1 करोड़ शेयर्स खरीदे, शेयर्स की फेस वैल्यू थी लेट से $10 पर अभी इनिशियली कंपनी ने उन शेयर्स के ऊपर सिर्फ $6 ही मंगवाया था. जिस समय बेटा इसको ये इन्वेस्टमेंट करनी थी इस समय ये हमारे बैंक के पास गया, इसने एडी बैंक से कहा जी क्या मैं ये इन्वेस्टमेंट कर लूं, एडी बैंक ने बेटा फेमा खोलकर पढ़ा, अच्छा ने कहा हां जी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है, उसने इस इन्वेस्टमेंट की इजाजत दे दी और $6 के हिसाब से उसने उसको फॉरेन करेंसी भी प्रोवाइड कर दिया. बाद में क्या हुआ, जब इस कंपनी ने 4 रुपए की कॉल मनी मंगाई, ये पर्सन फिर से बैंक के पास गया, उसने कहा लो बैंक मुझे ना $4 की जरूरत और है, फॉर एग्जांपल आप मुझे $4 1 करोड़ शेयर्स पर दे दीजिए तो मुझे $4 करोड़ USD की जरूरत यहां पर फिर से है, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें मेरे को रिमेनिंग कॉल मनी पे करनी है. और हमारी सरकार कह रही सॉरी हम इस वाली ट्रांजेक्शन को करने जा रहे हैं प्रोहिबिट, क्या आप अपनी कॉल मनी पे नहीं कर पाओगे? होगा क्या, अगर बेटा इस पर्सन ने अपनी कॉल मनी नहीं चुकाई तो यूएस वाली कंपनी तो इसके शेयर्स को फोरफीट कर देगी, इसका तो नुकसान हो जाएगा, इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो डेप्रिशिएट हो जाएगी. इसलिए लॉ मेकर ने क्या कहा जी इस वाले केस को भी आप यहां पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाओगे. तो अगर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का केस है, ये वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी यहां पर प्रोहिबिट नहीं हो सकती. आई होप लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा. तो ये है बेटा पहली सेट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जिनको प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता और लॉजिकल भी है. दूसरे केस में क्या कह रहे जी, एसेट एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया व्हेन पर्सन वॉज पीआर हुआ है. क्या कह रहे जी, पीआरआई मे कंटिन्यू टू होल्ड और ट्रांसफर फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स इफ दे वर एक्वायर्ड व्हेन ही वाज पीआरओआई या इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन हु वाज पीआरओआई. तो लेट्स से बेटा मैं काफी सालों से इंडिया में ही रह रहा था पर बीच में मुझे यूएसए में एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली और 2 साल के लिए मैं यूएसए काम करने चला गया. अब बेटा जैसे मैं यूएसए ईबीयू के लिए गया उस मोमेंट पर मैं क्या बन गया, पीआरओआई. अब मैंने बेटा वहां 2 साल काम करते करते वहां पर कुछ एसेट्स एक्युमुलेट किए,
वहां पर मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ एसेट है, और आज मैं जैसे ही देश में वापसी आया मैं चाहता हूं जी कि वो जो मेरे एसेट्स हैं उनको मैं होल्ड करके रखूं। और फेमा कह रहे सॉरी भाई, बीइंग अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, आपको इंडिया के बाहर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई एसेट होल्ड करना अलाउड नहीं है। मैं कह रहा हूं जी वो एसेट मैंने एक्वायर किया था जब मैं पीआर हुआ था, तो आज मैं पीआरआई बन तो गया हूं, पर मुझे उसको होल्ड करने की परमिशन दी जाए बिकॉज वो मैंने उस समय पर एक्वायर किए थे। तो लॉ कह रहे जी बिल्कुल बात वाजिब है, इस वाली ट्रांजेक्शन को भी लॉ में प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता। या लेट्स सपोज मैं बेटा आज पीआर आए ही हूं, मेरे कोई मामा जी हैं और वो रहते हैं यूएसए में, और बेटा उनके पास यूएसए में काफी सारी प्रॉपर्टी है, और आज उनको अपने भांजे से बहुत ज्यादा प्यार था, उन्होंने कहा जी मैं अपने भांजे के नाम अपने यूएसए की एक प्रॉपर्टी करके जा रहा हूं, ये कुछ शेयर्स करके जा रहा हूं, और वो बेटा मैंने फॉरेन एसेट किए हैं इनहेरिट। तो बेटा अगर मैं किसी पीआरओआई से कोई एसेट इनहेरिट कर रहा हूं, इस वाली इनहेरिटेंस के लिए जैसी मैं एसेट इनहेरिट करूंगा मेरा भार एक एसेट क्रिएट हो रहा है, क्या इस वाली ट्रांजेक्शन को भी प्रोहिबिट किया जा सकता है? आंसर इज नो, ये वाली ट्रांजेक्शन भी फेमा में प्रोहिबिट नहीं हो सकती। एंड फाइनली पीआरओआई may continue to hold transfer foreign exchange asset if they were acquired when he was PRI या inherited from a PRI। ये एकदम opposite है। For example, USA को कोई person था, India 2 साल काम करने के लिए आया, जब India में काम किया उसने India में कुछ assets acquire किए, तो आज अगर वो वापसी बाहर चला जाता है तो being a PROI, उसने जब PRI रहते हुए जो भी asset बनाया था वो उसे hold कर पाएगा? FEMA उसे prohibit नहीं कर सकता। या बेटा बाहर का इंसान है, उसके मामा जी इंडिया में रहते हैं, और अब की बार इंडिया वाले मामा जी ने उनके नाम कुछ एसेट कर दिए, और अगर वो उन एसेट्स को इनहेरिट करते हैं ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड देम, तो बेटा ये वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फेमा में प्रोहिबिट नहीं हो सकती, पहली बात। फिर आई बेटा वो वाली ट्रांजेक्शन जो फेमा में परमिसिबल है, दैट इज परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और जी फेमा में लॉ मेकर ने क्या लिख दिया कि जी अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वो ये वाली ट्रांजेक्शन करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बाहर फॉरन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फॉरन करेंसी लोन लेना चाह रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाह रहे हैं, लाइकवाइज कोई बाहर का पर्सन इंडिया के अंदर ये ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, कोई गारंटी वगैरह देना चाह रहा है, कोई लोन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन परमिसिबल होंगी उस एक्सटेंड तक एस आरबीआई में स्पेसिफाई या सीजी में स्पेसिफाई। मतलब इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पार्लियामेंट ने क्या कह दिया जी, ये वाली कैपिटल ट्रांजेक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो तो सकती है, पर इसके लिए आपको आरबीआई या सीजी की पावर्स को चेक करना है। सर आरबीआई की पावर कौन से केस में चेक करेंगे? डेट इंस्ट्रूमेंट वाले केस में। और सीजी की कब चेक करेंगे? नॉन डेट के केस में। तो बड़ा हुआ क्या, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने हर एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए अपनी अलग से रेगुलेशंस बना डाली। तो आज फॉर एग्जांपल कोई बाहर का पर्सन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उसके लिए आरबीआई ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रेगुलेशन बना दी। इंडिया को कोई पर्सन बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उसके लिए आरबीआई ने ओडीआई की रेगुलेशन बना दी। तो इन सब चीजों के लिए आरबीआई ने अपनी अलग अलग रेगुलेशन कर दिया ड्राफ्ट। तो बेटा हर टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पर आरबीआई की अलग से आपको रेगुलेशन देखने को मिल जाती है। तो अगर आप कभी भी फेमा का बेयर लॉ खोल के देखोगे वहां पे आपको लाइन से बहुत सारी रेगुलेशंस बनेंगी। वो सारी रेगुलेशंस बनी कहां से हैं? यहां से, इधर से वो पावर डिराइव की गई है। तो इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई ने हर टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए अलग रेगुलेशन बना रखी है। तो आज अगर आपको कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करनी है, आपको उस रेगुलेशन में जाकर पढ़ना पड़ेगा कि आरबीआई ने किस कंडीशन पर और किस एक्सटेंट तक उस कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को कर रखा है परमिट। तो जितने जितने पावर उस रेगुलेशन में अलाउड होगी उस एक्सटेंट तक आप वो वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो बेटा एक कैटेगरी ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस तो आई जिनको प्रोहिबिट किया ही नहीं जा सकता। अगली कैटेगरी है ये वाली, इनके स्पेसिफिक बातें उन रेगुलेशंस में लिखी हैं, उन रेगुलेशंस में जाकर आप चेक करते हो। और इसके अलावा बेटा फाइनली हमारी आ रही है प्रोहिबिटेड कैट। एनीवेज यहां पर बस एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिटेड कैट ये क्या कह रहा है जी, इसके अलावा जितनी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, मतलब ऊपर जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन थी वो ठीक है, इनके अलावा अगर आप कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करना चाहोगे वो क्या है? प्रोहिबिटेड। और बेटा यहीं से हमारा लॉजिक भी निकल कर आता है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। तो बेटा ये सारी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से प्रोहिबिटेड, ये वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जितनी भी आपने ऊपर पढ़ी उनके अलावा आप कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। बस यहां पर लॉ मेकर ने दिया आपको छोटा सा एक ब्रीदर, उन्होंने कहा जी ऊपर दी गई ट्रांजेक्शन के अलावा अगर आप कोई भी कैट करना चाहोगे वो परमिटेड नहीं है, पर हम आपको एक चीज या एक पावर का इस्तेमाल करने दे सकते हैं। क्या लिखा है यहां पर? नो कैट इज परमिटेड सेव एज दोस प्रोवाइडेड इन दी एक्ट रूल्स या रेगुलेशन। जी अगर एक्ट रूल्स या रेगुलेशन में अलाउड थी वो वाली कैट तो कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई कैट नहीं कर सकते, दैट इज कैट्स आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। पर बेटा आज अगर कोई इंडिया का पर्सन है और वो इंडिया के बाहर एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख USD तक भेजना चाह रहा है अंडर दी LRS रूट, तो बेटा आज हमारे देश में फेमा में एक स्पेशल स्कीम बनी हुई है जिसे हम कहते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम।
आज अगर हम इंडिया के पर्सन है तो बेटा इंडिया के बाहर हमें अलग अलग पर्पसेस के लिए पैसा कभी कभार भेजना पड़ सकता है। तो आज बेटा हर इंडिविजुअल पर्सन को ना फेमा की नॉलेज नहीं होती। तो आज अगर मेरे को कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, मैं गया बैंक के पास, बैंक वाला भी फेमा खोल के बैठा है, मैं भी फेमा खोल के बैठा हूं, हम दोनों देख रहे हैं जी ये ट्रांजेक्शन हो पाएगी या नहीं। तो इसलिए आरबीआई ने हमारा काम आसान बनाने के लिए क्या किया, उन्होंने लेकर किया एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। और उन्होंने कहा जी कोई भी पर्सन एलआरएस रूट के तहत एक साल में इंडिया के बाहर $2.5 लाख तक भेज सकता है, उसे हम कह रहे हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो बड़ा उसी एलआरएस स्कीम के तहत अगर आप $2.5 लाख तक एक साल में कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करना चाहो वो आप इसके अंदर कर सकते हो। पर ध्यान रखना ये जो $2.5 लाख है, ऐसा नहीं है कि $2.5 लाख की एलआरएस की लिमिट अलग है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की लिमिट अलग है, सीयूएटी की लिमिट अलग है, नहीं, ये सारे लिमिट हम क्लब करके देखते हैं। तो अगर किसी भी एक साल में कोई पर्सन इंडिया के बाहर $2.5 लाख तक भेजना चाहेगा तो उतना आपको अलाउड है अंडर दी एलआरएस स्कीम। और सर अगर $2.5 लाख से ज्यादा भेजना है फिर बेटा आपको फेमा की उस स्पेसिफिक रेगुलेशन में जाकर देखना पड़ेगा कि उस रेगुलेशन में आरबीआई ने उस कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए कितनी लिमिट आपको अलाउ की है। फॉर एग्जांपल आपने रेगुलेशन में जाकर देखा वहां 5 लाख की लिमिट थी, तो $5 लाख तक भेज देना, तो इसके लिए आप रिस्पेक्टिव रेगुलेशन में जाकर के चेक करते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, $2.5 लाख आप किसी नॉन कोऑपरेटिव कंट्री को नहीं भेज सकते। तो बेटा ग्लोबली अगर हम कहें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कुछ कंट्रीज को डिक्लेयर कर रखा है नॉन कोऑपरेटिव कंट्री। तो जो भी कंट्री नॉन कोऑपरेटिव लिस्ट में आती है, फॉर एग्जांपल अगर लेट से पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाल दिया गया तो हम पाकिस्तान में यह पैसा नहीं भेज पाएंगे एलआरएस रूट के तहत। तो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज को आप एलआरएस रूट के तहत पैसा नहीं भेज पाओगे। और स्पेसिफिकली बेटा फिर लॉ मेकर ने प्रोहिबिट किया कुछ और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। उन्होंने कहा जी गलती से भी ये ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं सकते किसी भी रूट के तहत। और क्या कहा जी, कोई भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडिया के अंदर इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। गलती से धोखे में किसी रेगुलेशन में कोई बात लिख भी दी गई हो, ये वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो आपको परमिटेड है ही नहीं। क्या क्या जी, कोई भी बाहर का पर्सन इंडिया में चिट फंड के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज चिट फंड को हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट करती हैं, चिट फंड में आप पैसा नहीं लगा पाओगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, बाहर का कोई पर्सन इंडिया में निधि कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। अगर आज आपको ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट है, किसी भी एरिया को डेवलप करने का आपके पास कोई अधिकार है, आपके पास कोई टिकट है और वो टिकट ट्रांसफरेबल है, आप इस बिजनेस में भी नहीं आ सकते। तो बाहर का कोई इंसान टीडीआर्स के बिजनेस में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एंड फाइनली बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर सवाल पेपर में आते हैं कि बाहर का कोई पर्सन इंडिया के रियल एस्टेट बिजनेस में या फार्म हाउसेस के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में पैसा नहीं लगा सकता। पर यहां पर बेटा जो रियल एस्टेट का मीनिंग है, रियल एस्टेट के मीनिंग में कुछ चीजों को किया गया एक्सक्लूड कि जी अगर कोई बाहर का इंसान आकर इंडिया में कोई टाउनशिप डेवलप करता है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस खुद से बनाता है, रोड्स, ब्रिजेस या रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाना चाहता है, वो यहां पर अलाउड है। तो सर रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं आ सकता, इसका क्या मतलब है कि जी बाहर बैठे बैठे आप इंडिया की प्रॉपर्टीज खरीद बेच रहे हो, उसमें प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, नॉट अलाउड। पर अगर आप इंडिया आकर के इंडिया में अपना बिजनेस लगाते हो और इंडिया में आप खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, खुद से आप रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रीमिसेस बना रहे हो, रोड्स, डैम्स या ब्रिजेस बना रहे हो, दैट इज मेड इन इंडिया कर रहे हो, वो करना आपको अलाउड है। पर बाहर बैठे बैठे आप सिर्फ इंडिया के रियल एस्टेट में ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहोगे, वो एक पीआरओआई को परमिटेड नहीं है। अगली बात जो यहां पर क्लैरिफाई की गई, क्या कि जी कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल नॉट अंडरटेक अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन विद द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया Unless approved by CG। तो जी आज अगर इंडिया का कोई पर्सन कोरिया के किसी भी पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहता है, पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी। और ये ऑर्डर आया था बेटा 2017 में, और अगर 2017 से पहले किसी ने कोरिया के किसी पर्सन के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रखी थी तो विद इन 180 डेज आपको उस ट्रांजेक्शन को क्लोज भी करना था। तो कोरिया के लिए एक अलग से बात लिखी गई थी। और ये आगे बेटा आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, मैं आपको मेन बुक से भी दिखा देता हूं। बेटा मेन बुक में हमने सारी बातें सीखी थी, मेन बुक में फेमा में हमने सारी बातें सीखी थी, आपकी बुक में एंड में बाय वे ऑफ एनेक्सर ये बातें आपको दी गई थी। तो ये आया था बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, जहां पर फर्स्ट कैटेगरी तो हमने क्या सीखी, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जिनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। फिर आई बेटा सेकंड कैटेगरी, ये वो ट्रांजेक्शंस हैं जो फेमा में परमिसिबल हैं, पर इसमें किस एक्सटेंट तक परमिसिबल है, कितना अमाउंट परमिसिबल है, कैसे ये ट्रांजेक्शन होगी, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली जाकर के उन रेगुलेशंस को पढ़ना पड़ेगा। एंड फाइनली बेटा अदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो आप कर ही नहीं सकते, पर हाँ $2.5 लाख तक अलाउड है, पर किसी नॉन कोऑपरेटिव कंट्री को मत भेजना, पीआरओआई ये काम नहीं करेगा, कोरिया के किसी पर्सन के साथ करनी है तो पहले सीजी का अप्रूवल लेना है, इस तरीके से बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस फेमा में चेक करते हो। तो ये तो बेटा सारी बातें आ गई आपकी कैट की। अब आ जाते हैं बेटा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस पर। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए बेटा हमने क्या जाना, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर ऑलवेज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड।
तो फेमा पढ़ते वक्त हम क्या चेक करेंगे, अरे कहीं फेमा में इस वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिट तो नहीं कर दिया गया। तो बेटा लॉ मेकर ने करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को भी तीन कैटेगरी में किया डिवाइड। उन्होंने कहा जी पहले, सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बताएंगे जिन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को आप कर ही नहीं सकते, दैट इज ये वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है फेमा में प्रोहिबिटेड, ये करना आपको अलाउड नहीं होगा। फिर आई बेटा सेकंड कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन, उन्होंने कहा जी ये वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आप कर तो सकते हो पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और फाइनली तीसरी कैटेगरी, ये वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आप कर तो सकते हो पर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई का। तो लॉ में कर रहे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की तीन क्लासिफिकेशन करी, पहला कुछ ऐसी CU80 जो हो ही नहीं सकती, दूसरा कुछ ऐसी CU80 जो हो तो सकती है पर सीजी का अप्रूवल चाहिए, और तीसरा कुछ ऐसी CU80 जो आप कर तो सकते हो पर आरबीआई के अप्रूवल के साथ। सर इनके अलावा जो बाकी CU80 बच गई जिनके लिए कुछ लिखा ही नहीं, तो बेटा वो ऑटोमेटिकली अलाउड है बिकॉज CU80 आर ऑलवेज परमिसिबल अनलेस प्रोहिबिटेड। तो बेटा इस तरीके से करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की यहां पर ड्राफ्टिंग हुई है। तो आते बेटा और एक एक करके ये कैटेगरीज भी कवर करते हैं। सबसे पहला आया बेटा प्रोहिबिटेड CU80, कुछ ऐसी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो आपको करना अलाउड है ही नहीं, जिसमें बेटा सबसे पहला क्या कह रहे जी, रेमिटेंस ऑफ लॉटरी विनिंग, कि जी बाहर का कोई पर्सन आ रहा है, इंडिया में लॉटरी लग गई उसकी और वो इंडिया में जो लॉटरी जीता है उस पैसे को बाहर लेकर जाना चाह रहा है। इंडिया में लेट सपोज बेटा उसकी 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, अब वो लॉटरी की विनिंग्स को बाहर लेकर जाना चाहेगा, वो एडी बैंक को जाकर कह रहे देखो जी मेरी इंडिया में लॉटरी लगी है 10 करोड़ रुपए, कन्वर्ट करके मुझे डॉलर दे दो पाउंड दे दो मैं बाहर लेकर जाऊंगा, नॉट अलाउड। ये वाली ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सरकार बाहर के लोगों को इंडिया में आकर के लॉटरी वगैरह खेलना अलाउड नहीं कर रही, लॉटरी में पैसा लगाना अलाउड नहीं है। लाइकवाइज अगर आपने इंडिया में कोई रेसिंग राइडिंग या किसी और हॉबी से अगर पैसा कमा लिया, कोई भी कैजुअल इनकम आपकी हुई है, इंडिया के बाहर आप लेकर के नहीं जा पाओगे, रिपेट्रिएट बैक करना आपको अलाउड नहीं है। और जी अगर हमारे देश के लोग इंडिया के बाहर जाकर लॉटरी टिकट खरीदना चाहेंगे, कोई बैंड या प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन्स खरीदना चाहेंगे, कोई ऐसी मैगजीन जो प्रिस्क्राइब्ड है, फुटबॉल पूल्स में सट्टेबाजी करना चाहोगे, स्वीप स्टेक्स में पैसा लगाना चाहोगे, तो जी हमारे देश के लोगों को भी अलाउड नहीं है। आपको पैसा लगाना तो ड्रीम 11 में लगाओ, आपके लिए देश में ऑप्शन आते हो गए, इंडिया के बाहर जाकर सट्टेबाजी करना आपको अलाउड नहीं है। तो इंडिया के बाहर लॉटरी टिकट खरीदना, फुटबॉल पूल, स्वीप स्टेक्स क्या होते हैं बेटा, यहां पर बाहर के देशों में एक स्कीम निकलती है, फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, सब 100 लोगों ने मिलकर 1-1 लाख USD डिपॉजिट करा और फिर वो कहेंगे जी हम इसमें से एक का लॉटरी निकालेंगे, जिसका भी नाम आया सारे 100 लोगों का पैसा उस इंसान को मिल जाएगा। तो उसे हम स्वीप स्टेक्स का नाम दे देते थे, जहां पर बहुत सारे लोग चिट डाल रहे, पैसा डाल रहे, जिसकी भी चिट निकली उसको सारा पैसा मिल जाता है, उसे स्वीप स्टेक कहते हैं। नेट नेट कहें तो सट्टेबाजी। तो अगर कोई इंडिया का पर्सन इंडिया के बाहर इन सब चीजों को करने के लिए फॉरेन करेंसी मांगेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक के पास जाकर कह रहा हूं बैंक मुझे ना 1 लाख USD दे दो, बैंक पूछ रहे जी क्यों दे दूं, किस लिए चाहिए, मैंने कहा जी मेरे को ना इंडिया के बाहर लॉटरी टिकट खरीदनी है, फुटबॉल पूल में पैसा लगाना है, बैंक मेरे को वो पैसा नहीं देगा। आपको कहे जी बैंक को कैसे पता चलेगा, झूठ बोल देंगे, तो बेटा झूठ बोलकर तो जो मर्जी काम कर लो, लोग तोड़ना है तो झूठ बोलकर तो आप तोड़ लोगे पर फंसोगे तो फाइन पेनल्टी लगेगा। तो इसलिए जब भी आप फॉरेन करेंसी मांगने जाओगे आपसे उसका पर्पस पूछा जाता है, वो आपसे डिक्लेरेशन लेते हैं जी किस चीज के लिए आप ये पैसा मांग रहे हो, अगर वो डिक्लेरेशन झूठी दी है फिर तो आप ये काम कर जाओगे पर कल को फंसोगे तो जी उस केस में पेनल्टी वगैरह, उस पर जेल भी जाना पड़े। तो इसलिए ये सारा लॉ तो है, अब लॉ को मानना है ना मानना वो आपके हाथ में। अगला कह रहे जी अगली कैटेगरी ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो प्रोहिबिटेड है कौन सी, कॉल बैक सर्विसेज। इनका इस्तेमाल बेटा आज के दिन में तो नहीं होता, ये फैसिलिटी थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, पर जब ये फैसिलिटी आई थी तो इन वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप हमारे देश में फॉरेन करेंसी मांगोगे सरकार ने किया बैन। सर ये होती क्या थी, आज के दिन में तो बेटा इतनी रेलिवेंट नहीं है पर फॉर एग्जाम्पल कुछ सालों पहले कुछ सदियों पहले की अगर बात करें तो पहले इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको कोई कॉल करना होता तो वो बड़ा महंगा होता था। पहले तो बेटा डोमेस्टिक कॉल्स भी बड़ी महंगी थी पर इंटरनेशनल कॉल्स तो कुछ ज्यादा ही महंगी थी। तो लेट सपोज आज इंडिया का कोई पर्सन यूएस से फोन लगाना चाहता है तो हमारी सरकार कह रही जी इंडिया का पर्सन अगर आप यूएस से कॉल लगाओगे तो आपको इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर को लेट से 200 रुपीज पर मिनट देना पड़ेगा, 1 मिनट की बात के लिए आपको 200 रुपए पे करने हैं। वो कह रहे जी बहुत ज्यादा है, तो जी इसमें भी लोगों ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली थी। उन्होंने क्या कहा, देखो जी इंडिया का इंसान यूएस से डायरेक्टली कॉल करता है तो हमारी सरकार कहती है जी आपको इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर को 200 रुपए पर मिनट देने हैं। तो जी लोगों ने अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढी, उन्होंने कहा देखो जी इंडिया का इंसान यूएस से कॉल करेगा तो 200 रुपए पर मिनट है पर आज अगर इंडिया का इंसान दुबई बात करना चाहता है तो लेट से हमारी सरकार कह रही है जी दुबई टू इंडिया अगर आप बात करना चाह रहे हो तो दुबई टू इंडिया आपको देने पड़ेंगे 50 रुपए और दुबई टू यूएस से बात करने के लिए आपको देने पड़ते हैं लेट से 60 रुपए। तो जो दुबई वाला पर्सन है बेटा वो कह रहा है जी इंडिया से डायरेक्टली कॉल जाती है तो 200 रुपए लगता है पर अगर मैं इंडिया फोन मिलाता हूं तो 50 रुपए लगते हैं और मैं यूएस से कॉल लगाता हूं तो 60 रुपए लगते हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, इसने बेटा इंडिया के लोगों को दिया एक ऑप्शन, इसने कहा जी आप एक नंबर पकड़ो जब भी आपको यूएस से फोन मिलाना हो आप इस नंबर पर एक बार कॉल कर देना,
जैसे ही आपका कॉल आएगा मैं उस कॉल को कट करूंगा, उठाऊंगा नहीं। और अगर मैं आपका कॉल उठाऊंगा ही नहीं तो क्या आपके पैसे लगेंगे? नहीं। फिर बेटा ये दुबई वाला पर्सन क्या करता था, ये अरेंज करता था एक कॉन्फ्रेंस कॉल, ये कॉल बैक करता था इंडिया में और ये कॉल बैक करता था यूएसए में, और इन लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करता था। और इस कॉन्फ्रेंस कॉल पे टोटल पैसा कितना लग जाएगा? 50 रुपए इंडिया, यूएसए 60 रुपए, लेट्स सपोज बीच में अपनी 10-20 रुपए की कमीशन रख लेगा, तो यहां पर इन टोटलिटी आपको 120 रुपए ही पे करने पड़े। और हुआ क्या, आप डायरेक्टली कॉल लगाते तो 200 रुपए देना पड़ता, अब आपको देने पड़े सिर्फ 120 रुपए। तो बेटा ये वाली ट्रांजेक्शन भी प्रोहिबिटेड है। सर प्रोहिबिटेड क्यों है? क्योंकि बेटा पहले अगर आप 200 रुपए पे करते, 200 रुपए आप रुपीज के टर्म में पे करते इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर को, पर आज अगर आप ये 120 रुपए पे करोगे, ये 120 रुपए किसको जाएगा? दुबई के पर्सन को। और उसे ये पैसा देने के लिए आप बैंक के पास जाकर इस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर्स या फॉरेन करेंसी मांगोगे, आप दिरहम्स मांगोगे। जैसे ही आप दिरहम्स मांगते थे उससे होता क्या था, इंडिया का फॉरेन करेंसी का बैलेंस भी नीचे जा रहा है, क्योंकि आपका देश का फॉरेन करेंसी दुबई जा रहा है। और दूसरा, इससे जी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री भी डूबेगी, उनकी ग्रोथ होगी नहीं। तो इसलिए सरकार ने इस वाले ट्रांजेक्शन को ही कर दिया बैन कि जी ये काम आप नहीं कर पाओगे। तो जो कॉल बैक सर्विसेज है उसकी पेमेंट करने के लिए अगर आप बैंक के पास जाकर फॉरेन करेंसी मांगोगे तो आपको वो फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी। इस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को हम कर रहे हैं प्रोहिबिट। अगली कैटेगरी ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो प्रोहिबिट किया गया वो कौन सा है जी, कमीशन ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जेबी और वॉस अब्रॉड। तो जी इंडिया की कोई कंपनी इंडिया के बाहर किसी जॉइंट वेंचर या होल्ड ऑन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो लॉ कह रहे जी आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली करो, बीच में किसी एजेंट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसमें बीच में एजेंट का क्या काम। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बीच में कोई एजेंट अपॉइंट करते हो और उस एजेंट को कमीशन पे करना चाहोगे, ये चीज आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि कमीशन पे करोगे तो उसका खर्चा हमारे देश को करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी का बैलेंस नीचे जाएगा। इसलिए ये वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी आपको अलाउड नहीं है, आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करिए, बीच में कोई एजेंट यहां पर नहीं होना चाहिए। अगला बेटा ये क्या कह रहा है जी, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर द रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। तो अगर आप रूपी स्टेट क्रेडिट रूट के तहत कोई कमीशन पे करने की कोशिश करोगे ऑन एक्सपोर्ट्स तो भी उस चीज के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। पर हां अगर आप टी या टबैको को एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर आप 10% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू तक अगर कमीशन पे करोगे इस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। अब सर ये क्या बोला है, तो पेपर में कभी भी आपके ये सवाल नहीं आएगा कि कॉल बैक सर्विस क्या होती है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट क्या होता है। पेपर में तो सिंपली कहेगा रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में कमीशन पे करने के लिए फॉरेन करेंसी मांग रहे हो, बताओ जी क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको आंसर में इतना रखना है, पर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्जैक्टली था क्या? बेटा ये बात भी थोड़ी सी पुरानी हो गई है। एक समय ऐसा था जब इंडिया ने बेटा ले रखा था रशिया से कर्जा, और जो कर्जा ले रखा था उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया था और इंडिया रशिया का पैसा चुका नहीं पा रहा था। तो उस समय हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक रुपी स्टेट क्रेडिट रूट की स्कीम लेकर के आई और उसने रशिया को क्या कहा, देखो भी रशिया हम आपका पैसा तो नहीं चुका पा रहे पर हमारे देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो आपको करेंगे अपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई, और वो ये गुड्स और सर्विसेज फ्री में आपको सप्लाई करेंगे, और जी जो गुड्स आपको मिलेंगे उससे आपका लोन धीरे धीरे सेट ऑफ हो जाएगा। अब जी सवाल उठा कोई भी एक्सपोर्टर रशिया को गुड्स फ्री में क्यों बेचेगा? तो जी सरकार ने कहा एक्सपोर्टर आप चिंता मत करो, आप वो गुड्स वहां फ्री में भेजो पर उसकी पेमेंट रशिया नहीं करेगा, उसकी पेमेंट हम आपको करेंगे। तो आप रुपी स्टेट क्रेडिट, तो स्टेट आपको क्रेडिट दे रहा है, उधार दे रहा है, आप ये माल आगे सप्लाई करो, आपकी पेमेंट इंडिया करेगा। तो जी इसको कहा गया था रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। अब बेटा होता क्या था, अगर ये एक्सपोर्टर रशिया माल सप्लाई करने के लिए बीच में कोई एजेंट हायर कर दे तो बेटा अगर उस एजेंट को आप कमीशन पे करोगे, एक तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व नीचे जाएगा और हमारी सरकार के ऊपर बर्डन भी बढ़ेगा, क्योंकि जी आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो और कमीशन का खर्चा जा रहा है तो आप सरकार से ज्यादा पैसा मांगोगे। इसलिए सरकार ने क्या कहा जी, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के तहत अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इसमें आपको कमीशन पे करना अलाउड नहीं होगा। अगर आप कमीशन पे करते हो अगर उस कमीशन के लिए फॉरेन करेंसी मांगने जाओगे वो फॉरेन करेंसी आपको नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना जी ये वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी प्रोहिबिटेड है। पर हां अगर आप टी या टोबैको एक्सपोर्ट कर रहे हो उनको प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार ने कहा 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक की कमीशन पे करने के लिए अगर आप फॉरेन करेंसी मांगोगे ये आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अगली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बेटा जो प्रोहिबिटेड है कौन सी, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी टू व्हिच डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। ये पॉइंट भी बेटा आज के दिन में एप्लीकेबल नहीं है, ये भी किसी जमाने में होता था। सर ये पॉइंट कब लगता था, फॉर एग्जांपल बेटा यूके की एक कंपनी है एचयूएल, उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी और इंडिया में उसने एचयूएल इंडिया नाम से कंपनी खोल दी। अब बेटा इंडिया वाली कंपनी जब भी पैसा कमाएगी, लेट्स सपोज इसने 100 करोड़ रुपए कमाया, ये जी 100 करोड़ रुपए कमा तो इंडिया में रही है इंडिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, पर ये बाद में एचयूएल को जब डिविडेंड के फॉर्म में पैसा पे करेगी तो ये इंडिया से फॉरेन करेंसी मांगेगी। वो कहेगी जी लाओ डॉलर दो मेरे को अपनी पेरेंट कंपनी को पैसा देना है, इससे जी इंडिया का फॉरेन करेंसी का बैलेंस नीचे आएगा। तो इसलिए पहले हमारी सरकार, आज के दिन में तो नहीं होता पर किसी जमाने में हमारी सरकार कभी कभी कंपनीज के ऊपर ना डिविडेंड बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट लगा देती थी। वो रिक्वायरमेंट क्या कहती थी, वो कहती थी देखो एचयूएल इंडिया
आज अगर आप अपनी पेरेंट कंपनी को डिविडेंड पे करना चाह रहे हो, लेट सपोज आप कह रहे हो जी आपको 10 लाख यूएसडी का डिविडेंड पे करना है, तो आप बिल्कुल वो डिविडेंड पे कर सकते हो, पर डिविडेंड पे करने के लिए आप हमारी सरकार से 10 लाख डॉलर मांगोगे। तो आप ये डिविडेंड सिर्फ तब पे कर पाओगे अगर आप इंडिया को ये 10 लाख डॉलर कमा कर भी दो। मतलब आप जब इंडिया में धंधा कर रहे हो, आपको इंडिया से कुछ बिजनेसेस का एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, और साल भर में अगर आपने एक्सपोर्ट करके 10 लाख डॉलर कमाया, तब आप अपनी पेरेंट कंपनी को 10 लाख डॉलर का डिविडेंड दे पाओगे। तो आप जितना भी डिविडेंड देना चाहते हो उसके बराबर आपको बैलेंस करके इंडिया को फॉरेक्स कमा कर भी देना पड़ेगा। तो जी इंडिया का फॉरेक्स बैलेंस बना रह पाए, इस वजह से रिक्वायरमेंट लगाई जाती थी। आज के दिन में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं आती, इसलिए पेपर में बस इतना ध्यान रखना डिविडेंड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट अगर किसी कंपनी पर एप्लीकेबल है और उस केस में वो फॉरेन करेंसी मांगेगी, तो ऐसे केस में इस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए आपको फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी। एंड फाइनली बेटा, लास्ट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो प्रोहिबिटेड है कौन सा, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रूपी अकाउंट। तो जी अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने इंडिया में एक स्पेशल रूपी अकाउंट खोला हुआ है, तो जी अगर उसके इंटरेस्ट इनकम के लिए वो फॉरेन करेंसी मांगेगा नॉट अलाउड। इसका रीजन क्या बेटा, ये जो अकाउंट होता है बेटा, ये प्राइमरीली बाय नेचर होता है करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट पर कभी भी ब्याज पे नहीं किया जाता। तो आज अगर इंडिया का कोई बैंकर इस खाते पर बाहर वाले इन्वेस्टर्स को ल्योर करने के लिए, नॉन रेजिडेंट्स को ल्योर करने के लिए कहता है मेरे पास खाता खुलवा लो, करंट अकाउंट पर मैं तुम्हें ब्याज दूंगा, तो बेटा ये इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये इंटरेस्ट इनकम इंडिया से बाहर लेके जाना हो गया है बैन। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट अपने नॉन रेजिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम के तहत कोई खाता खुलवाता है, उस पर अगर वो कोई इंटरेस्ट इनकम कमा भी लेगा, इंडिया के बाहर ले जाना आपको अलाउड नहीं होगा। तो ये आगे बेटा आपकी कुछ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस जो इंडिया में है प्रोहिबिटेड, ये आप नहीं कर सकते। इसके बाद आ रही बेटा कुछ ऐसी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो आप कर तो सकते हो, पर इनके लिए आपको पहले लेना पड़ेगा सरकार का अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज का अप्रूवल यहां पर लेना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला क्या आ रहा है, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय पीएसयू। तो अगर इंडिया में कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम है, वो कह रहे हैं जी आपको अगर इंडिया के बाहर से तेल सप्लाई करना है या तेल चाहिए, आप इंडिया के शिपिंग कंपनीज का इस्तेमाल करो, उन्हें फ्रेट पे करो। उसका फायदा क्या, हमारी शिपिंग कंपनीज ग्रो भी करेंगी और उसमें आपको फॉरेन करेंसी भी नहीं चाहिएगी, तो इससे इंडिया का फॉरेन करेंसी बैलेंस भी बना रहेगा। पर जी अगर वो कंपनी कह रही नहीं जी मैं वेसल लूंगी चार्टर पर, दैट इज मेरे को ऑयल सप्लाई करने के लिए एक वेसल या शिप की जरूरत होती है, वो मैं हायर पर लूंगी, बाहर वाली कंपनी से हायर पर लूंगी और उससे मैं हायर चार्ज पे करना चाह रही हूं, तो सरकार कह रही जी आप तो ऐसा बैड एग्जांपल सेट मत करो, आप खुद पीएससी होकर के आप देश को प्रमोट नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो अगर आप हायर करना चाह रहे हो वेसल को और आप बाहर वेसल चार्जेस पे करना चाह रहे हो, तो इस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पहले आपको सीजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करेगी तभी आप ये वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर पाओगे। दूसरा क्या कह रहे जी, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस अदर देन एफओबी या एफएएस बेसिस। अब बेटा सीआईएफ क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। हुआ क्या, फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई कंपनी है और इंडिया की कोई कंपनी का एग्जांपल ले लेट्स से ओएनजीसी। आज ओएनजीसी लेट्स सपोज बेटा रशिया से कोई ऑयल खरीद रही है, अब अगर वो ये ऑयल इंपोर्ट करेगी सीआईएफ बेसिस पर, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इसका मतलब क्या बेटा कि उन गुड्स को सप्लाई करने की कॉस्ट, उन गुड्स का शिपिंग इंश्योरेंस और उन गुड्स का जो भी भाड़ा है, वो सब बियर और अरेंज करने की जिम्मेवारी होगी रशिया के इस सप्लायर पर। दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये सब अरेंज करेगा रशिया का सप्लायर और इसका जो भी खर्चा होगा वो इंडिया में इस कंपनी से कर लेगा चार्ज। तो बेटा अगर इंश्योरेंस और फ्रेट वही अरेंज कर रहा है और उसका खर्चा अगर ओएनजीसी से चार्ज होगा, तो ओएनजीसी जैसे ही इंश्योरेंस और फ्रेट की पेमेंट करेगी, ओएनजीसी इंडिया के बैंक से फॉरेन करेंसी मांगेगी, वो कहेगी जी लाओ फॉरेन करेंसी तो मेरे को पेमेंट करनी है। तो सरकार कह रही जी एटलीस्ट पीएसयूज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप ये काम मत करो, अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर भी रहे हो तो आप एफओबी या एफएएस बेसिस पर इंपोर्ट करो, जहां पर इंश्योरेंस या फ्रेट अरेंज करने का हेडेक आपका होगा, और आप फिर इंडियन कंपनीज को प्रमोट करो, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस करवाइए, इंडियन फ्रेट कंपनी से आप फ्रेट करवाइए, इससे इंडिया का फॉरेन करेंसी बैलेंस भी बचा रहेगा और देश में इंश्योरेंस और फ्रेट कंपनीज ग्रो भी करेंगी। तो बड़ा इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए भी आपको लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। अगला केस क्या कह रहा है जी, रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। तो बेटा कंटेनर डिटेंशन, फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई शिप इंडिया के बाहर जा रहा था और बाहर यूएस से किसी पुलिस वालों ने उन कंटेनर्स को डिटेन करके अपने पास रख लिया, लेट्स से यूएस कस्टम अथॉरिटीज ने उन्हें सीज कर लिया। अब बेटा जब वो कंटेनर्स को डिटेन करके अपने पास रख रहे हैं, तो बेटा उस कंटेनर को डिटेन करने के चार्जेस होते हैं, वो पैसा भी इंडियन कंपनी को पे करना पड़ता है। तो बेटा अगर आज आप गलत काम करते हो और आपका कंटेनर डिटेन होता है, तो जितना रेट डीजीसीए ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के प्रिस्क्राइब रेट जितना अगर चार्जेस पे करोगे ठीक है, उससे ज्यादा का चार्ज पे करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगले आते हैं बेटा, रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर बाय टीवी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर इंडिया की कोई कंपनी टेलीविजन या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के काम में है और उसे इंडिया के बाहर
कोई टेलीविजन नेटवर्क या इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो बेटा ट्रांसपॉन्डर्स ना सिग्नल्स को बूस्ट करते हैं, तो बीच में कई सारे ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया से यूएसए के बाहर हमें सिग्नल भेजना है, तो बीच में हम कई ट्रांसपॉन्डर्स लगाते हैं ताकि वो सिग्नल टाइमली पहुंच पाए। तो हमारी सरकार चाहती है जी आप इंडियन ट्रांसपॉन्डर्स का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि अगर आप फॉरेन किसी ट्रांसपॉन्डर का इस्तेमाल कर रहे हो वो इंडिया की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, उसके पास वो इंफॉर्मेशन जाएगी और आगे पहुंचेगी। इसलिए अगर आप वो ट्रांसपॉन्डर हायर करना चाहते हो किसी बाहर के पर्सन से और उसके लिए फॉरेन करेंसी आप मांगने जाओगे, ये वाली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको सीजी से परमिशन लेना पड़ेगा। अगला आ रहा है जी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू एजेंट्स अब्रॉड। तो बेटा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे आज इंडिया से माल भेजना है अफ्रीका, अब अफ्रीका माल भेजने के लिए मेरा माल पहले तो जाएगा शिप से, तो मुझे शिप वाले बस से बात करनी है, फिर उसके एयरवे से जाए तो मुझे एयरलाइन से भी बात करनी पड़ेगी, फिर वो जाएगा रोडवेज से तो मेरे को रोडवेज से भी बात करनी पड़ेगी। तो मेरे को मल्टी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहां पर अरेंज करना पड़ता है, इनको हम कहते हैं बेटा मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। अब होता क्या, कई लोग ना ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, वो कहते हैं जी आपको माल सप्लाई करना है, क्यों चिंता कर रहे हो, हम आपको ये माल सप्लाई करने के लिए सारा मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अरेंज करके देंगे। मतलब आप हमें माल दे दो, अब शिप अरेंज करना, फ्लाइट अरेंज करनी या रोडवेज अरेंज करना ये हमारी जिम्मेवारी है, आपको अलग अलग ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा जो भी ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं अगर वो फॉरेन में एजेंट्स को कोई कमीशन पे करना चाहते हैं तो सरकार कह रही है आप एजेंट्स को कमीशन ऐसे पे ना करो, ये कमीशन पे करने से पहले भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगली कैटेगरी ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बेटा इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, इस पर आते हैं पेपर में सवाल कि जी इंडिया के बाहर अगर आप कल्चरल टूर्स अरेंज करना चाह रहे हो और उसके लिए फॉरेन करेंसी मांगोगे तो जी ये वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए भी पहले सरकार से अप्रूवल हो। फॉर एग्जांपल बेटा इंडिया में स्कूल है कोई डीपीएस, डीपीएस कह रहे जी आज मैं अपने 5000 बच्चों को बाहर लेकर जाऊंगा यूके में और उन्हें रोमन कल्चर सिखाऊंगा, तो बेटा हमारी सरकार कह रही जी ये तो ऐसे अलाउड नहीं होना चाहिए, पता चलेगा हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों को आप रोमन कल्चर सिखा रहे हो वो वेस्टर्न कल्चर से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए कि आप इंडियन कल्चर को फॉलो ही नहीं करना चाह रहे। तो अगर आप कोई कल्चरल टूर ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो उसके लिए अगर आप फॉरेन करेंसी मांगोगे पहले सीजी का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। इस पॉइंट पर बेटा पेपर में सवाल आते हैं। इससे जो अगला पॉइंट आ रहा है इस पर भी पेपर में सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या कह रहे जी एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू एक्सीडिंग $10,000। तो फॉर एग्जांपल बेटा आज योगी आदित्यनाथ जी यूपी में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना जबरदस्त लेवल का यहां पर ग्रोथ हुआ है और वो इंडिया में तो उस चीज की मार्केटिंग करते हैं, यूपी में भी मार्केटिंग होती है, दिल्ली में भी मार्केटिंग हो रही है, पर वो कह रहे जी मैंने जो इतना जबरदस्त काम यूपी के अंदर किया है सिर्फ इंडिया के लोगों को ये बात क्यों पता चले, मैं चाहता हूं जी देश के बाहर भी दूसरी दुनिया में भी यूएसए में भी यूके में भी हमारे देश के इंडियंस रहते हैं उन्हें भी पता चले कि हमारे देश में यूपी कितनी तरक्की कर रहा है। तो बेटा वो यूपी की और अपनी प्रमोशन करना चाह रहे हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया में, बाहर के किसी न्यूज़पेपर को पकड़ ले और वहां पर बड़े बड़े एड देना चाह रहे हैं। तो बेटा वो कह रहे जी ये काम करना इतना आसान नहीं होगा, अगर आप $10,000 तक का खर्चा करोगे चलेगा, पर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बाहर के किसी फॉरेन प्रिंट मीडिया में एड दे रही है और उसका खर्चा $10,000 से ज्यादा होने वाला है और वो फॉरेन करेंसी मांग रही है उस चीज के लिए, तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये काम के लिए आपको सीधा डायरेक्टली अलाउड नहीं है, आपको पहले सीजी का अप्रूवल लेना पड़ता है। पर यहां पर एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई, अगर वो इंडिया के बाहर लोगों को टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल किसी टेंडर या बिडिंग को प्रमोट करने के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो चलेगा। फॉर एग्जांपल बेटा आज अगर आप इंडिया के बाहर जाकर यूपी की टूरिज्म को प्रमोट करते हो और आप लोगों को कहते हो जी आओ यूपी, आओ यूपी घूमने आइए, तो सरकार कह रही जी ये चलेगा। ये क्यों चलेगा? क्योंकि अगर आप बाहर जाकर टूरिज्म को प्रमोट करोगे तो वो सारे बाहर के लोग इंडिया में यूपी में घूमने आएंगे, इंडिया में यूपी में घूमने आएंगे तो फॉरेन करेंसी लाएंगे, फॉरेन करेंसी लाएंगे तो देश की ग्रोथ होगी। तो इसलिए अगर आप बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन बिडिंग या टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोई खर्चा करते हो वो वाला एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना आपको अलाउ हो जाएगा। अगला कह रहे जी रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी इफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज मोर देन $1,00,000। बेटा इंडिया में लेट्स सपोज आपकी बीसीसीआई है जो नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स बॉडी है, वो इंडिया के बाहर जाकर कोई गेम ऑर्गेनाइज कराती है और वहां पर पार्टिसिपेंट्स को प्राइज मनी देना चाहती है, वो कह रही जी हमने प्राइज मनी रखा है $500,000 का। तो बेटा आज बीसीसीआई इंडिया में बैंक से कहेगी लो जी पकड़ो पैसा रुपया मेरे को $500,000 दे दो, बाहर जाकर मेरे को प्राइजेस बांटने हैं। सरकार कह रही चलेगा क्योंकि आप इंटरनेशनल नेशनल या स्टेट्स लेवल की स्पोर्ट्स अथॉरिटी हो। बेटा कोई लोकल स्पोर्ट्स अथॉरिटी है जिसका नेशनल या इंटरनेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर कोई रिकॉग्निशन नहीं है, वो इंडिया के बाहर जाकर कह रही है मैं भी एक गेम ऑर्गेनाइज करूंगी और वहां पर जो भी गेम को जीतेगा मैं उन्हें $1,00,000 से ज्यादा का अमाउंट पे करना चाहूंगी। तो कह रही जी ऐसा आपका क्या लेवल आ गया कि इंडिया के बाहर जाकर आप गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हो और $1,00,000 से ज्यादा पे करने की कोशिश कर रहे हो? अगर आप इस ट्रांजेक्शन के लिए फॉरेन करेंसी मांगोगे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एंड फाइनली बेटा अगर आप पीएनआई क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए
जो मेंबरशिप फीस है वो पे करने के लिए अगर फॉरेन करेंसी मांगोगे, ये वाली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब सर पीएनआई क्लब क्या होता है बेटा, आपके सिलेबस का तो पार्ट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, पर पीएनआई क्लब अगर मैं क्या कहूं, फॉर एग्जांपल बेटा मेरे शिप्स चलते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, और शिप्स में बेटा सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, कल को अगर शिप डूब गया तो नुकसान होगा, उसके लिए मैं इंश्योरेंस करा सकता हूं, बट इंश्योरेंस प्रीमियम बड़े महंगे होते हैं। तो पीएनआई क्लब्स क्या करते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज को कहता है आप आके हमारे मेंबर बन जाइए, आप हमें नॉमिनल सी मेंबरशिप फीस पे करिए, और हमारे अगर किसी भी मेंबर का शिप कभी डूबेगा हम उसको कॉम्पनसेट करेंगे। तो उन्होंने क्लब बना दिया और कह रहे जी अगर आप हमारे क्लब के मेंबर हो और कभी भी आपका शिप डूबता है वी विल कॉम्पनसेट फॉर यू दैट। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, यहां पर इंश्योरेंस कंपनी को इतना मोटा प्रीमियम देना पड़ता है, मैं आपका मेंबर बन जाता हूं, और मैं सरकार को जाकर कह रहा हूं लाओ जी फॉरेन करेंसी दे दो, मेरे को उस पीएनआई क्लब की मेंबरशिप के लिए फीस पे करनी है, तो मेरे को इस चीज के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, आई वॉन्ट टू ड्रॉ दी फॉरन एक्सचेंज फॉर दिस। हमारे सरकार कह जी ये ऐसे नहीं होगा, पहले आपको सीजी का अप्रूवल यहां पर मांगना पड़ेगा। तो अगर पीएनआई क्लब की मेंबरशिप के लिए बेटा फॉरेन करेंसी मांगोगे ऐसे केस में पहले सीजी का अप्रूवल आपको लेना पड़ता है। तो ये आगे बेटा आपकी वो सारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जिनको करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है। पर एक चीज बताना बेटा, आज कोई पर्सन है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और बेटा ये पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कुछ साल पहले इंडिया से बाहर काम करके आया था, जब बेटा इसने इंडिया से बाहर जाकर काम किया था क्या इसने फॉरेन करेंसी कमाई होगी? यस। और आज ये इंडिया वापसी आ रहा है तो क्या ये फॉरेन करेंसी इंडिया लेकर के आ रहा है? लेट्स से यस। तो बेटा जो ये फॉरेन करेंसी इंडिया लेकर के आता है वो कह रहे जी क्योंकि आपने हमारे देश को फॉरेन करेंसी कमा कर दी है, आप बैंक के पास एक खाता खुलवा सकते हो जिसको हम कहते हैं रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, कि आज अगर कोई रेजिडेंट है पर वो फॉरेन करेंसी कमा कर लाया है, तो बेटा अगर आप फॉरेन करेंसी कमा करके लाते हो तो आप इस खाते में उस फॉरेन करेंसी को रख सकते हो। बेटा आज अगर ये पर्सन कहे जी मैंने बाहर से फॉरेन करेंसी कमाई थी और आज मैं इसी करेंसी का इस्तेमाल बाहर किसी खर्चा करने के लिए करना चाह रहा हूं, मैं फॉरेन प्रिंट मीडिया में $10,000 से ज्यादा का ऐड देना चाह रहा हूं, या कोई भी ऐसी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूं जहां आपने लिखा है सीजी का परमिशन चाहिए, तो बेटा क्या इसे भी सीजी का परमिशन लेना बनता है? तो सरकार ने कहा द आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप बाहर से फॉरेन करेंसी कमाकर ला रहे हो, अगर आप उसी फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करके बाहर कोई खर्चा करना चाहोगे, ऐसे केस में आपको सीजी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। और यही बात बेटा आगे लिखी हुई है, तो अगले पॉइंट पर जाने से पहले आप अगले पेज पर आएंगे, क्या लिखा है जी, नो अप्रूवल ऑफ सीजी इज रिक्वायर्ड फॉर रेमिटेंस आउट ऑफ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो अगर आप अपने रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट जिसमें आपकी फॉरेन करेंसी आई थी उससे कोई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का खर्चा करना चाह रहे हो, कोई सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए। एंड लाइकवाइज बेटा एक और अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसमें क्या होता है बेटा, आज कोई पीआर आए हैं इंडिया के बाहर जाकर फॉरेन करेंसी नहीं कमा के लाया, वो इंडिया में बैठा बैठा इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट्स करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और क्योंकि एक्सपोर्ट करेगा तो क्या देश को फॉरेन करेंसी मिलेगी? यस। ऐसे केस में बेटा वो बैंक्स के पास एक खाता खुलवा सकता है जिसे हम कहते हैं ईईएफसी अकाउंट, जिसमें इसकी वो वाली फॉरेन करेंसी आती है जो इसने एक्सपोर्ट से कमाई। तो साल भर में लेट्स सपोज बेटा इसने $5,00,000 फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट के जरिए देश को कमा कर दिया, तो आज हमारी सरकार क्या कह रही है, अगर यही पैसा आप इंडिया के बाहर किसी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पर खर्च करने की सोचोगे आपको कोई सीजी वगैरह से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी एग्जम्पशन आ गई यहां पर। तो सेकंड पॉइंट ने क्या कहा जी, नो अप्रूवल ऑफ सीजी इज रिक्वायर्ड फॉर रेमिटेंस आउट ऑफ ईईएफसी अकाउंट। बस यहां पर एक एक्सेप्शन है, सरकार ने क्या कहा जी, ईईएफसी अकाउंट से पेमेंट करने के लिए आपको सीजी से कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब आप जो मर्जी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करो सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए, एक्सेप्ट वन ट्रांजैक्शन, कौन सी, रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पीएनआई क्लब। पीएनआई क्लब की मेंबरशिप अगर पे करना चाहोगे इवन दो ईईएफसी अकाउंट से, इसके लिए पहले आपको सीजी से अप्रूवल लेना जरूरत है। कहने का तात्पर्य क्या बेटा, ये जितनी भी हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन देखी जहां पर सीजी का अप्रूवल चाहिए था, अगर आप इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन की पेमेंट आरएफसी अकाउंट से करना चाहोगे कोई सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए, और इनमें से आप किसी भी ट्रांजैक्शन की पेमेंट अगर ईईएफसी अकाउंट से करना चाहोगे तब भी सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए। बस इस सेकंड वाले केस में ये पॉइंट एक्सेप्शन है कि जी पीएनआई क्लब की पेमेंट अगर आप आरएफसी अकाउंट से करते हो चलेगा, पर अगर आप पीएनआई क्लब की फीस की पेमेंट ईईएफसी अकाउंट से करना चाहोगे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड फाइनली बेटा थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आ रही है जिनके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, और बेटा जिन ट्रांजेक्शन के लिए आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है उन ट्रांजेक्शन को फर्दर सब कैटेगराइज किया गया दो लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए यहां पर थोड़ी सी बातें अलग है और नॉन इंडिविजुअल्स के लिए यहां पर बातें अलग है। तो पहले इंडिविजुअल्स के लिए देखते हैं आरबीआई ने क्या कहा। तो आरबीआई ने कहा जी इंडिविजुअल एलआरएस रूट के तहत जो $2,50,000 की लिमिट है उस लिमिट का इस्तेमाल यहां भी कर सकता है कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करने के लिए। दैट इज अगर आप एलआरएस रूट के तहत कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं इंडिविजुअल चलेगा, आपको कोई आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फॉर एडिशनल रेमिटेंस अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। इससे ओवर एंड अबव अगर आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पैसा भेजना चाहोगे पहले आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बेटा $2,50,000 एक अच्छी खासी लिमिट है, आपका लगभग ये 1.5-2 करोड़ के आसपास बन जाता है, तो सालाना की लिमिट है, दिस इज अ वेरी गुड लिमिट। अगले पॉइंट ने क्या कहा जी, पर
तीन ऐसे पर्पसेस हैं, अगर उन तीन कामों के लिए आप $2.5 लाख से ज्यादा भी बाहर भेजना चाहोगे फॉर एनी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, मतलब इन तीन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप $2.5 लाख से ज्यादा भी बाहर भेजना चाहते हो, आरबीआई आपको अलाउ कर देगा। आरबीआई उस चीज में अड़ंगा नहीं अड़ाएगा। किस किस में बेटा? फॉर एग्जाम्पल इमिग्रेशन का खर्चा है, एक्सपेंसिस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड या स्टडीज अब्रॉड। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं इंडिया के बाहर आज अपना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जाना चाहता हूं, मैंने यूएसए के एक हॉस्पिटल से मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा मांगा, उन्होंने जी पूरा एस्टीमेट मेरे को बनाकर दिया और उन्होंने कहा हर सर आपके $4 लाख इसमें लगेंगे, तो आपका जो ये ट्रीटमेंट होना है आपको $4 लाख चाहिए। मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा बैंक देखो मेडिकल एक्सपेंस करवाना है मेरे को बाहर और मैं $4 लाख बाहर उस हॉस्पिटल की पेमेंट करना चाहता हूं, कृपया मेरे को ये डॉलर दे दीजिए। तो जी बैंक मेरे से क्या कहेगा, जी हमें आप एक बार उस हॉस्पिटल का एस्टीमेट दिखा दो, अगर हॉस्पिटल का एस्टीमेट आपके पास है तो इस ट्रांजेक्शन के लिए मुझे $2.5 लाख से ज्यादा भी पैसा मिल जाता है। तो बेटा अगर कोई इंडिविजुअल इन तीन कामों के लिए $2.5 लाख से ज्यादा या इन तीन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए $2.5 लाख से ज्यादा मांगेगा तो उस केस में बैंक इन तीन कामों का एक्सेप्शन क्रिएट करते हुए आपको पैसा प्रोवाइड करेगा। पर ध्यान रखना जो ये $2.5 लाख की लिमिट है इसमें आपकी सारी कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और LRS रूट की ट्रांजेक्शन क्लब हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इस पर पेपर में आता है सवाल, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इस पर पेपर में कई बार सवाल आया, रिसेंट में कहो तो 2022 में भी इस पर सवाल बना हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है बेटा किस पर लगता है, ये पॉइंट लगता है एक पर्सन जो रेजिडेंट तो है पर जो परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है। है सर रेजिडेंट है बट परमानेंट रेजिडेंट, मतलब बेटा वो पर्सन आज इंडिया आया था लेट से किसी काम धंधे के लिए, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट बिजनेस वो इंडिया में रुका हुआ है और वो रेजिडेंसी का क्राइटेरिया मीट कर गया, मतलब वो फेमा के हिसाब से रेजिडेंट तो बन गया है पर उसका इंडिया में रुकने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि मैं जिंदगी यहां पर बिताऊंगा, वो इंडिया में रह तो रहा है और रेजिडेंट वाले क्राइटेरिया की वजह से वो आज के दिन रेजिडेंट बन भी गया पर कुछ समय के बाद वो अपने देश वापसी लौट जाएगा। तो बेटा सबसे पहली बात, पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट का यहां पर क्या मीनिंग है, लॉ ने कहा जी अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और डेप्यूटेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ थेरऑफ और फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और असाइनमेंट द ड्यूरेशन ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड 3 years इज अ रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट। तो नॉर्मली स्पीकिंग बेटा लेट सपोज आज मैं कहता हूं जी फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना को भी पर्सन था और अर्जेंटीना की एक कंपनी का इंडिया के अंदर भी ऑफिस था, उसने कहा जी आज मैं अपने अर्जेंटीना वाले एम्प्लॉय को इंडिया वाले ऑफिस में भेज रही हूं और 3 सालों के लिए आप इंडिया में ही रहोगे और इंडिया में काम संभालोगे। अब बेटा क्योंकि अर्जेंटीना का पर्सन इंडिया आया है अब वो इंडिया में काम करेगा, उसकी जो सैलरी है 3 साल तक कहां आएगी, इंडिया में आएगी। तो उसने सैलरी इंडिया में कमाई, उसका सारा पैसा इंडिया में अक्रू हुआ और आज बेटा वो इंडिया छोड़कर वापसी जा रहा है क्योंकि उसका होम कंट्री तो अर्जेंटीना है। तो इंडिया छोड़कर वो जैसी वापसी जाने लगा उसने कहा लाओ सरकार मैंने इंडिया में इतने साल मेहनत कर आके मैंने इंडिया के अंदर लेट सपोज यहां पर एक्यूमुलेट किए हैं $3.5 लाख तो 3 साल में ये मेरी सैलरी एक्यूमुलेट हुई है, मैं चाहता हूं कि आप ये पैसा मुझे बाहर लेकर के जाने दो, तो मैंने इंडिया में रुपीज में पैसा कमाया था, ये पकड़ो बैंकर रुपी, बदले में मुझे $3.5 लाख दे दीजिए ताकि मैं अपनी कंट्री इस पैसे को लेकर के जा सकूं क्योंकि अब मैं अपनी होम कंट्री वापसी लौटना चाह रहा हूं। तो बेटा क्या इस पेमेंट को रोका जा सकता है, आंसर इज नो। सरकार ने कहा जी अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट है, उसने अगर इंडिया में कोई सैलरी वगैरह कमाई है वो पैसा आप लेकर जा सकते हो, पर ध्यान रखना सैलरी में से अगर कोई TDS कटना है कोई PF कटना है वो डिडक्शन होगा, PF TDS काटने के बाद जो आपकी नेट सैलरी है वो आप लेकर के जा सकते हो। दैट इज रेमिटेंस अप टू नेट सैलरी कैन बी टेकन बाय अ पर्सन हु इज रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया एंड ही इज अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट। बस एक चीज का ध्यान रखना आप पाकिस्तान के सिटीजन नहीं होने चाहिए एंड या ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ऑन डेप्यूटेशन टू ऑफिस और ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी और सब्सिडरी और जेव इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी। वो कह रहे जी या तो अर्जेंटीना का कोई पर्सन इंडिया आ गया। सेकंड पॉइंट किस किस को कवर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं इंडिया में काम करता था, इंडियन Amazon कंपनी में मैं जॉब करता था पर मैं फिर यूएसए जाकर सेटल हो गया क्योंकि मेरे को यूएसए में Amazon में नौकरी मिल गई और मेरे को यूएसए में ही रहना है, यूएसए का ही पर्सन हूं। पर बड़ा यूएसए की जो Amazon वाली कंपनी है ना उसकी इंडिया में भी ब्रांचेस है तो वो उसने 2 साल के लिए मेरे को इंडिया भेजा और कहा जी आप इंडिया में रहकर के आ चुके हो, हमें पता है आज आप यूएसए के हो गए यूएसए में ही रहोगे पर हम चाहते हैं 2 साल जाकर आप इंडिया में इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को संभाल लीजिए। तो बड़ा आज मैं पर्सन रेजिडेंट इंडिया था बाहर जाकर सेटल हो गया और आज मैं वापसी इंडिया आ रहा हूं क्योंकि उस कंपनी ने टेम्परेरली किसी असाइनमेंट पर मुझे भेजा, तो बेटा जब मैं इंडिया में ये सैलरी कमाऊंगा ये सैलरी भी मैं इंडिया के बाहर लेकर जा सकता हूं, कोई प्रोहिबिशन मुझ पर नहीं लगाई जाएगी। तो ये सारी बातें आ गई बेटा फॉर इंडिविजुअल। एंड फिर नॉन इंडिविजुअल्स के लिए कहा गया कि जी नॉन इंडिविजुअल्स अगर आप ये वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करना चाहोगे इसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या क्या ट्रांजेक्शन बेटा, जिसमें सबसे पहला आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में सवाल आए हुए डोनेशन। तो बेटा आज कोई इंडिया की कंपनी है और वो इंडिया के बाहर चंदा देना चाह रही है बिकॉज वो चाहती है जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे कंपनी के जो होनार एम्प्लॉयज के बच्चे हैं
उनकी सीट बुक हो जाए, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में 10 सीट्स बुक करना चाह रही है, उसके लिए वो पेमेंट करना चाहती है। या बेटा आज इंडिया की कोई कंपनी कंट्रीब्यूट करना चाह रही है किसी फंड को कोई पैसा टू प्रमोट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि जी इंडिया के बाहर नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा हो, हार्वर्ड के कॉम्पिटिशन में एक और यूनिवर्सिटी खड़ी करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप इंडिया के बाहर पैसा देना चाह रहे हो। हाँ, किसी इन्वेस्टमेंट फंड को पैसा दोगे चलेगा, पर उसके अलावा आप किसी फंड को पैसा दे रहे हो ताकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रन करे, या बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बॉडी और एसोसिएशन इन दी फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ दी डोनर कंपनी। तो बड़ा इंडिया में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो लेट से कैंसर की ट्रीटमेंट करना चाह रही है, और वो कैंसर की रिसर्च के लिए इंडिया के बाहर किसी रिसर्च कंपनी को, क्योंकि आप इंडिया में फार्मास्यूटिकल में हो, कैंसर की दवाई आपको बनानी है, उनको आप रिसर्च की पेमेंट करने के लिए अमाउंट ट्रांसफर करना चाह रहे हो, तो बड़ा अगर आप ये सारी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पैसा मांगोगे, तो अगर तो आपने इस लिमिट तक पैसा मांगा कंपनी ठीक है, पर अगर कंपनी इंडिया में आप बैंक को जाकर कहोगे जिस लिमिट से ज्यादा पैसा चाहिए, तो पहले आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एडी बैंकर आपको ऐसे ही पैसा नहीं देगा। तो बेटा अगर कोई इंडियन पर्सन इस लिमिट तक डोनेशन के पर्पस के लिए पैसा मांगेगा चलेगा, इस लिमिट से ज्यादा मांगोगे तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। और बेटा यहां पर लिमिट कितनी है ध्यान से समझना, लिमिट आ रही है जी 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर और $50 लाख व्हिच एवर इज लेस। मतलब आज बेटा कोई इंडिया की कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आदित्य बिरला ग्रुप का, तो जी आज आदित्य बिरला ग्रुप की कोई कंपनी है आदित्य लिमिटेड, आज बेटा वो क्या कह रहा है, आदित्य बिरला ग्रुप अगर इंडिया के बाहर डोनेशन के फॉर्म में पैसा भेजना चाह रहे हैं, वो कह रहे जी आरबीआई के अप्रूवल के बिना कुछ लिमिट तक तो आप पैसा भेज सकते हो। लिमिट कितनी आई, 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में कमा कर दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा इस कंपनी ने पिछले 3 सालों का हमने डेटा उठाकर देखा, पिछले साल $10 करोड़ इंडिया को कमा कर दिए थे, उससे पिछले साल $20 करोड़ कमा कर दिए थे, उससे पिछले साल $10 करोड़। तो जी पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने हमारे देश को $40 करोड़ कमा करके दिया, तो सरकार ने कहा जी जितना पैसा आपने देश को कमा कर दिया उसका अगर 1% तक आप डोनेशन की फॉर्म में, दैट इज इसका 1% निकालेंगे तो कितना 40 लाख, That is, अगर आप इंडिया के बाहर 40 लाख USD या 50 लाख USD विच एवर इज लेस, तो यहां पर आप दोनों में से लोवर देखना, दोनों केसेस में बेटा लोवर कितना आ रहा है 40 लाख USD। तो अगर इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर $40 लाख तक का डोनेशन करना चाहेगी, इसके लिए आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, पर अगर इससे ज्यादा का डोनेशन देना चाहोगे तो पहले आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहां पर बेटा बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 1% आपको पिछले 3 सालों के एग्रीगेट का देखना है, एवरेज का नहीं। बच्चा यहां पर क्या करता है, वो यहां पर कर देता है एवरेज, यहां एवरेज नहीं होगा, उस कंपनी ने पिछले 3 सालों में देश को जितना फॉरेन करेंसी कमा कर दिया उसका टोटल करना, 1% निकालना, $50 लाख USD विच एवरेज लेस, इतना पैसा आप भेज पाओगे। सेकंड कैटेगरी ने क्या कहा जी, कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया। तो बेटा आज कोई इंडियन कंपनी है, उसका इंडिया में कोई प्लॉट या रेजिडेंशियल फ्लैट था, और इंडियन कंपनी ने कहा जी मेरे को अपना यह प्रॉपर्टी बिकवाना है, इंडिया में कोई इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार नहीं था, तो बड़ा आज इस कंपनी ने एक फॉरेन एजेंट को पकड़ा और उस एजेंट से कहा जी देखो अगर कोई बाहर का इंसान ही प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हो, तो बड़ा इस एजेंट ने बाहर से एक पर्सन को अरेंज किया और उसको ये प्रॉपर्टी बिकवा दी। तो बड़ा जैसे ही प्रॉपर्टी बिकी, क्या आज इंडियन कंपनी इस एजेंट को इसकी कमीशन पे करेगी? यस, कमीशन पे करना विल बी अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो आज उस चीज पर लगी है रोक। क्या कह रहे हैं जी, कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट्स अप्रोड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल या कमर्शियल फ्लैट्स इन इंडिया, तो कंपनी आप उसे कितनी कमीशन पे कर सकते हो? लॉ ने कहा जी अगर कंपनी इतनी कमीशन पे करने के लिए फॉरेन करेंसी मांगोगे चलेगा, इससे ज्यादा कमीशन पे करने के लिए अगर फॉरेन करेंसी मांगोगे पहले आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और बेटा यहां पर लिमिट कितनी आई, $25,000 या 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर, यहां पर आपको देखना है हायर। ये लिमिट्स बेटा आपको याद होनी चाहिए। इसने कहा जी अगर इंडियन कंपनी ने बेटा इंडिया के बाहर किसी पर्सन को अपना फ्लैट बेचा है, तो बेटा फ्लैट बेचने पर क्या उस पर्सन से इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगा? यस, लेट्स सपोज बेटा आपको इंडिया में फॉरेन करेंसी रिसीव हुआ $1 लाख USD, आपने $1 लाख के अंदर अपना प्रॉपर्टी भेजा था, तो ये लॉ क्या कह रहा है, $1 लाख USD जितना इनवर्ड रेमिटेंस है उसका 5% करेंगे तो $5,000 या $25,000 विच एवर इज मोर, दैट इज इस केस में आप $25,000 तक की कमीशन पे कर सकते हो। इंडिया के बाहर बेटा आपने $10 लाख USD में फ्लैट बेचा था, $10 लाख USD इंडिया को रिसीव हुआ, तो ऐसे केस में आप $50,000 तक की पेमेंट कर पाओगे। तो ध्यान रखना 5% या $25,000 विच एवर इज हायर, इतनी कमीशन आप एजेंट को पे करने के लिए अगर फॉरेन करेंसी मांगोगे ये आपको मिल जाएगी। अगला कह रहे जी, रेमिटेंस फॉर एनी कंसल्टेंसी सर्विस
इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। तो अगर इंडिया की कंपनी कह रही जी इंडिया में मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना था, प्रोजेक्ट लगाने के लिए मैंने बाहर की कंपनी से कंसल्टेंसी मांगी कि जी प्रोजेक्ट कैसे लगे, कैसे लगे, क्या आपका ऑपरेशन लाइन होना चाहिए, वो पूरी कंसल्टेंसी बाहर की कंपनी ने प्रोवाइड करी। तो अगर इंडियन कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए कंसल्टेंसी मांगती है तो बेटा कितनी पेमेंट आप बिना आरबीआई के अप्रूवल के कर पाओगे, ध्यान रखना 1 करोड़ USD, इतनी पेमेंट आप कर सकते हो बिना आरबीआई के अप्रूवल के लिए। इससे ज्यादा की पेमेंट करनी है आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। और बेटा इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं था, कोई और कंसल्टेंसी थी। फॉर एग्जांपल इंडिया में सॉफ्टवेयर की कंसल्टेंसी आपने ली और इंडिया के बाहर आप सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी की पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी मांग रहे हो, तो ध्यान रखना बेटा सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी में आपकी फीस कम लगेगी। तो यहां पर आपको 10 लाख USD तक की पेमेंट अलाउड है। तो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी आप 1 करोड़ USD बाहर पे कर सकते हो। उसके अलावा कोई और कंसल्टेंसी है वहां पर आपकी लिमिट आ जाती है 10 लाख US डॉलर पर ट्रांजेक्शन, इतनी पेमेंट अगर आप करोगे चलेगा। पर अगर इससे ज्यादा फॉरन करेंसी मांगोगे पहले आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। एंड फाइनली बेटा द लास्ट पॉइंट, इसने क्या कहा, रेमिटेंस बाय एन एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रेमिटेंस या रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो बेटा एचयूएल जो यूके की कंपनी है उसने इंडिया में एचयूएल इंडिया को सेटअप करने के लिए कुछ खर्चे किए, तो इस कंपनी ने आज प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस किए हैं। अब जैसी एचयूएल इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई, इसने कहा जी मेरी पेरेंट कंपनी ने मेरे को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए कुछ खर्चे किए थे, मैं उसका रीइंबर्समेंट करना चाह रही हूं और उसके लिए मुझे डॉलर चाहिए। तो लॉ क्या कह रहा है, कंपनी आप मैक्सिमम कितना पेमेंट उसको प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के तौर पर कर पाओगे, 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया। मतलब एचयूएल ने एचयूएल इंडिया एस्टेब्लिश करते वक्त लेट्स सपोज इंडिया में वो लेकर के आई थी 1 करोड़ US डॉलर, तो उसका 5% दैट इज 5 लाख USD या 1 लाख US डॉलर, यहां भी फिर से क्या आ रहा है, विच एवर इज मोर। तो जितना पैसा आप इंडिया में लाए थे उसका 5% या 1 लाख USD, विच एवर इज मोर, अगर इतना पेमेंट आप प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसिस के रीइंबर्समेंट के तौर पर करोगे चलेगा। इससे ज्यादा करने के लिए बेटा आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपकी ऑल द कैटेगरी ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। पर अगेन बेटा वही वाली बात आई, अगर इंडिया की कंपनी कह रही है जी कि मैंने तो आरएफसी अकाउंट में कुछ पैसा एक्युमुलेट किया है, अगर मैं आरएफसी अकाउंट से ये सारे खर्चे करना चाहूंगी तो भी क्या आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, लॉने का नहीं। अगर आप आरएफसी अकाउंट से खर्चे करोगे आपको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए ना सीजी का अप्रूवल चाहिए ना आरबीआई का। एंड लाइकवाइज कंपनी कह रही जी अगर मैं ईएफसी अकाउंट से खर्चा करूंगी, हम कहेंगे जी देखो ईएफसी अकाउंट से खर्चा करने पर भी नॉर्मली आपको सीजी या आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, पर अगर आपने पीएनआई क्लब की मेंबरशिप फीस पे करनी थी उस केस में सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप कमीशन पे करना चाह रहे हो सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट पर इस लिमिट से ज्यादा, तब आरबीआई का अप्रूवल लेना। और अगर आप प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को रीइंबर्स करना चाह रहे हो इस लिमिट से ज्यादा, और ये पेमेंट अगर आप ईएफसी अकाउंट से करोगे तब भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना बेटा आरएफसी अकाउंट से पेमेंट करने पर कभी भी अप्रूवल नहीं चाहिए, पर ईएफसी अकाउंट से पेमेंट करने पर नॉर्मली अप्रूवल नहीं चाहिए होता, पर इन तीन केसेस में फिर भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और फाइनली बेटा अगर कोई पर्सन बाहर घूमने जा रहा है और इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से कोई खर्चा करता है, वो कह रहे जी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के खर्चे पर भी आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स पर वैसी बैंक्स लिमिट लगाकर रखते हैं कि एक लिमिट से ज्यादा आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई खर्चा करोगे तो ऐसे केस में भी आपको ये अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती। एंड दिस इज ऑल अबाउट बेटा आपका ऑल द कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। मैं कहूंगा बेटा ये कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ही फेमा का सबसे कॉम्प्लेक्स एरिया रहता है, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज यहां पर कुछ ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल है जो डे इन डे आउट आप डील नहीं करते, बट आई हैव ट्राइड कि मैं एक फास्ट पेस पर ये सब आपको रिवाइज करा पाऊं। नॉर्मल क्लासेस में तो हमें पूरी 1 से 1.5 क्लास लगती है सारी चीजें पढ़ने में, पर यहां पर मैंने कोशिश की है कि मिनिमल टाइम में सारे पॉइंट्स आपके रिवाइज हो पाए। तो बेटा ये आ गई आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की तीन कैटेगरी थी, पहला कौन सा, जिनको प्रोहिबिट किया ही नहीं जा सकता, दूसरा जो परमिटेड है, और तीसरा ऑटोमेटिकली आ गई बाकी की प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शंस। इसके बाद बेटा अगला आ गया करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। यहां पर हमने देखा कुछ ऐसी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो प्रोहिबिटेड, जो आप कर ही नहीं सकते, फॉर एग्जांपल कॉल बैक सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल लॉटरी टिकट्स है। उसके बाद कुछ ऐसी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो कर सकते हो सीजी के अप्रूवल से, और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो आप कर सकते हो पर उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट हमारा कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो बेटा फेमा की हमने रिविजन स्टार्ट करी। पहली कैटेगरी ऑफ रिवीजन में हमने रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट सीखा कि पीआरआई एंड पीआरओवाई क्या होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट में बेटा हमने सीखा कि जी कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या हैं, कैसे इन्हें रेगुलेट किया गया। बस फाइनली आ गया बेटा फेमा की कुछ मिसलेनियस बातें, जहां पर जनरली हम फेमा का एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हैं कि फेमा को हमारे देश में एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा। तो आ जाते बेटा इस लास्ट लेग पर, एक बार के लिए प्लीज फुल स्क्रीन करिएगा।
बेटा जो आखिरी लेग आ रहा है जहां पर हम फेमा की कुछ कुछ मिसलेनियस बातें पढ़ेंगे, तो फटाफट से इन मिसलेनियस टॉपिक्स को निपटाते हैं, इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिसमें बेटा पहला एक पॉइंट आ रहा है आपका, रिपेट्रिएशन ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा यहां पर मैं कहूंगा आपकी कॉम्पैक्ट बुक में जो सिर्फ रेड वाली बात है वो पढ़ लेना, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल बाहर का कोई पर्सन इंडिया के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर किया हुआ था, आज अगर आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच करके देश के बाहर पैसा लेकर के जाना चाहोगे तो क्या पीआरओआई वगैरह ये काम कर सकते हैं? उस चीज के लिए यहां पर कुछ बातें आ रही हैं। अब बेटा वैसे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉ बहुत लंबा चौड़ा है, आरबीआई की प्रॉपर इसके ऊपर रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, पर वो पूरी बातें हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बस ये एक छोटा सा टॉपिक कवर है, तो बस आप भी पेपर के लिए एक छोटा सा टॉपिक कवर कर जाना। पहले पे कैसे कहा जी, पीआरओआई रेफर टू इन सेक्शन 6। सेक्शन 6 में बेटा कौन सा पीआरओआई रेफर था? कोई ऐसा पीआरओआई जिसने इंडिया में जब वो पीआर आए था, जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई या इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिट करी, तो आज किसी पीआरओआई के पास ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बेटा अगर वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचकर इंडिया के बाहर पैसा लेकर जाना चाहता है, पहले आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा केस किसका आया, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एनआरआई या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये किसकी बात कर रहे बेटा, एनआरआई हम किसको बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। किसी आप थे तो इंडियन सिटीजन पर आज बाहर जाकर रहने लग गए, तो आप इंडिया में रेजिडेंसी का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हो, तो आज बन तो नॉन रेजिडेंट गए हो पर ओरिजिनली आप इंडियन ओरिजिन के हो, तो आप इंडियन सिटीजन हो, तो आप हो एक एनआरआई। अब बेटा अगर कोई एनआरआई है आज के दिन में वो हो तो चुका है पीआरओआई, ही इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर क्योंकि वो पहले इंडिया में रहकर जा चुका है, हो सकता है उसकी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी रही हो, अगर वो इंडिया में अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहेगा, उसके लिए लॉ ने क्या कहा जी, सॉरी उसने कहा जी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हो, उसको बेचने की क्या कंडीशन है, पहली बार आपने वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी हो एज पर फेमा, कि जी फेमा में वो प्रॉपर्टी एक्वायर करना प्रोहिबिटेड ना हो, एक्विजिशन अगर आपने करी थी तो उसके लिए आपने फॉरेन करेंसी पे करी हो, और दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तक आपको बेचना अलाउड है। इतना पैसा बेच करके अगर आप इंडिया से बाहर लेकर के जाओगे तो चलेगा। और लास्ट केस में कह रहे जी, फेलियर इन रीपेमेंट ऑफ ईसीबी Overseas lender to sell immovable property on which said loan has been secured. ये point बेटा आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का कोई पर्सन है, उसने इंडिया के बाहर से कोई ईसीबी या लोन लिया और उसने बाहर वाले बैंकर को अपनी इंडिया की किसी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी दी थी कि जी कल को लोन नहीं चुकाया तो आप ये प्रॉपर्टी बेच सकते हो। बेटा अगर उसने लोन चुकाने में डिफॉल्ट किया तो क्या वो बाहर का पीआरओआई इंडिया की वो प्रॉपर्टी सेल कर पाएगा? लॉ कह रहा है जी यस, ये भी अलाउड है। अब बेटा यहां पर मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा कानून हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये कुछ बातें आपके सिलेबस में थी, इसको आप रख लेना याद। अगली बात आ रही है बेटा छोटी सी सेक्शन 7 एक्सपोर्ट की, इसने बस क्या कहा, जब भी आप इंडिया के बाहर कोई गुड्स एक्सपोर्ट करो उसका एक डिक्लेरेशन आप कर देना फर्निश टू द बैंकर या आरबीआई। तो बेटा जब भी आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है। हाँ, अगर आपको डिक्लेरेशन देने की रिक्वायरमेंट कब नहीं होगी, अगर आप इंडिया के बाहर गिफ्ट भेजना चाह रहे हो 5 लाख रुपए तक का, तो अगर आपने गिफ्ट करा है किसी को 5 लाख रुपए तक का तो ये डिक्लेरेशन नहीं देना, वरना गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बैंक को देना पड़ता है डिक्लेरेशन कि जी मैंने गुड्स कर दिए एक्सपोर्ट। ये डिक्लेरेशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि जी बैंक्स और आरबीआई इस चीज का ध्यान रखता है कि अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो आपकी पेमेंट टाइमली आ गई हो। और बेटा अगर आप एक्सपोर्ट की रेगुलेशंस पढ़ोगे वहां पर एक टाइम आता है 9 मंथ्स का, कि अगर आपने बाहर कोई गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं आपको पूरी कोशिश करनी है कि सामने वाली पार्टी से विद इन 9 मंथ्स पूरी पेमेंट आप रिसीव कर लो, क्योंकि जब पेमेंट आएगी तब देश का फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, इसलिए डिक्लेरेशन की एक रिक्वायरमेंट आती है। सिमिलर इज द केस ऑफ सर्विस, अगर आप इंडिया के बाहर सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी एक डिक्लेरेशन भी आपको फाइल करनी पड़ती है। तो एक छोटा सा सेक्शन आता है आपका सेक्शन नंबर 7। अगली बात आ रही है बेटा रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फेमा। बेटा हमने एक चीज क्या सीखी, फेमा को रेगुलेट मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन कर रहा है, आरबीआई। अब बेटा आरबीआई खुद से तो हर ट्रांजैक्शन को रेगुलेट कर नहीं सकता कि जी मैं आरबीआई से कह रहा हूं जी लाउड डॉलर दे दो, ये काम करना है, आरबीआई चेक करेगा जी क्या ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए आरबीआई ने क्या कहा जी, मैं हर ट्रांजैक्शन को पर्सनली सुपरवीन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हर ट्रांजैक्शन को करने के लिए मैं अपने कुछ ऑथराइज्ड लोगों को अपॉइंट कर रहा हूं जिनको मैं कहता हूं अपना ऑथराइज्ड पर्सन। और आज अगर आपको फेमा में कोई भी कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करनी है आप मेरे इन ऑथराइज्ड पर्संस के द्वारा वो ट्रांजैक्शन करना। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बेटा बहुत सारे बैंकर्स को अपना एपी बना रखा है, तो आज मेरे को कोई भी पैसा बाहर भेजना है, बाहर से पैसा आना है, मैं बैंकर के पास जाकर वो काम करता हूं बिकॉज बैंकर इज द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ आरबीआई। तो इसने कहा जी प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन क्या है, कि आज अगर कोई भी पर्सन एपी बनना चाहता है तो ऑब्वियसली उसको आरबीआई को एप्लीकेशन देनी है और आरबीआई उसे ऑथराइज्ड पर्सन का लाइसेंस कर देगा ग्रांट, दैट इज जिसको ऑथराइज्ड पर्सन का ऑथराइजेशन आरबीआई से मिला हुआ है वही ऑथराइज्ड पर्सन वाला काम कर पाएगा। अगर बेटा आरबीआई से लाइसेंस मिलने के बाद आरबीआई को पता चल रहा है जी ऑथराइज्ड पर्सन तो काम ढंग से कर नहीं रहा, जिसको मन करे जैसे केस में फॉरेन करेंसी दे रहा है, किसी से पर्पस भी नहीं पूछ रहा, गलत पर्पसेस के लिए पैसा भेज रहा है, तो ऐसे केस में बेटा आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है।
अगला कह रहे हैं ड्यूटीज ऑफ एपी क्या होगी, कि आप आरबीआई की सारी डायरेक्शंस मानोगे, कोई भी अनलॉफुल ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, और जब भी आप किसी पर्सन के बिहाफ पर पैसा भेज रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उस पर्सन से डिक्लेरेशन मांगोगे जी किस पर्पस के लिए आप ये काम कर रहे हो। तो ध्यान रखना ये एपी आपकी जिम्मेवारी है कि देश में जब भी फॉरेन करेंसी आ रही है या जा रही है उस केस में आपके पास डिक्लेरेशन होना चाहिए कि किस पर्पस से वो काम किया गया है, ये आपकी जिम्मेवारियां हैं। और अगर बेटा आज आरबीआई आपको कोई डायरेक्शन इशू करे, फॉर एग्जांपल बेटा आरबीआई ऑथराइज पर्सन के लिए ना कई बार एपी डीआईआर सर्कुलर्स निकालता है, इस सर्कुलर की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑथराइज पर्सन डायरेक्शंस या डायरेक्टरी सर्कुलर्स। तो आज अगर आरबीआई ने एपी डीआईआर सर्कुलर निकालकर किसी ऑथराइज पर्सन को कोई बात बोली थी, उन्होंने कहा था जी ये वाली ट्रांजेक्शन आज के बाद नहीं होनी चाहिए, हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, तो बेटा ये आपकी जिम्मेवारी है कि आरबीआई का हर वो सर्कुलर आपको मानना है। और अगर आरबीआई को लगता है कि कोई ऑथराइज पर्सन अपना काम सही से नहीं कर रहा तो आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है, उसका इंस्पेक्शन करवाएगा, और इंस्पेक्शन करवाने के बाद पता चला कि उसने बातें ब्रेक करी है तो बेटा उसका लाइसेंस यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ उस पर पेनल्टी भी इन्वोक हो सकती है अप टू 10,000, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में 2,000 रुपीज पर डे। तो बड़ा ये एक बात आई आपकी ऑथराइज्ड पर्संस की, कि आरबीआई ने बहुत सारे एडी बैंक्स वगैरह को ऑथराइज्ड पर्सन का लाइसेंस दिया हुआ है। और बड़ा सिमिलर ऑथराइज्ड पर्सन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं फिर फेमा का सेक्शन नंबर 3। इसने क्या कहा, इसने कहा जी सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, दैट इज अगर एक्ट में कहीं लिखा है तो ठीक है, वरना कोई भी पर्सन डील नहीं करेगा, नो पर्सन शैल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन एपी। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आज इंडिया में बैठा हूं और मेरे को एक महीने के बाद यूएस घूमने जाना है, तो यूएस घूमने जाऊंगा तो डॉलर तो चाहिए, तो मेरे को ये डॉलर अगर अरेंज करना है किससे अरेंज करने चाहिए, एपी से, ऑथराइज पर्सन के अलावा मैं किसी से भी फॉरन करेंसी अरेंज नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आज मैं यूएस जाने से पहले गोवा घूमने गया हुआ था और गोवा में यूएस के लोग भी आए हुए थे और कह रहे जी हमारे पास तो डॉलर है, तो मेरे मन में क्या आया यार एपी के पास जाकर मैं रुपया देकर डॉलर लाऊंगा इन्हीं से बदल लेता हूं, तो मैंने कहा जी आपको इंडिया में रुपीज की जरूरत है, मुझे डॉलर की जरूरत है क्योंकि मैं यूएस जाऊंगा, तो हम एक काम करते आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं आपको रुपया दे देता हूं आप मुझे डॉलर दे दो, तो क्या ये करना अलाउड है, नहीं, क्योंकि अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए आपको किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही वो फॉरेन करेंसी अरेंज करनी होगी। अगला कह रहे जी मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल बेटा मेरा कोई कजन है इंडिया के बाहर रहता है, पीआर हुआ है, बाहर डॉलर में पैसा कमा रहा है, और उस कजन ने लेट से इंडिया में कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, अब कायदे से बेटा उस कजन को इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी की पेमेंट खुद करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद पेमेंट करेगा तो पेमेंट डॉलर फॉर्म में आएगी, देश का फॉरेन करेंसी बैलेंस बढ़ेगा। मैंने कहा जी तू क्यों परेशान हो रहा है, तेरी पेमेंट मैं इंश्योरेंस कंपनी को कर देता हूं, और बेटा मैं पेमेंट करूंगा तो रुपीज में होंगी, तो जो डॉलर इंडिया में आने वाले थे वो डॉलर रुक जाएंगे। तो सरकार ने क्या कहा जी आज इंडिया का कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर किसी पर्सन के बिहाफ पर कोई भी पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं वो खुद पेमेंट करे जिससे देश के पास फॉरेन करेंसी आएगी, तो ये ट्रांजेक्शन भी अलाउड नहीं है। तीसरी बात सेक्शन 3 ने क्या कही, रिसीव एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अदरवाइज देन थ्रू एपी। क्या कह रहे हैं जी, किसी बाहर वाले पर्सन के बिहाफ पर आप इंडिया में पेमेंट रिसीव मत करना। कहने का तात्पर्य क्या है, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है और यहां पर लेट्स से मैं आ रहा हूं और मैं हूं एक पीआर है, आज मैंने इस पर्सन को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी थी जिसके लिए पर्सन मुझे 1,00,000 US की पेमेंट करने वाला था, ये पेमेंट मुझे उससे रिसीव होने वाली थी, पर इस पर्सन ने क्या कहा, इसने कहा देख हर्ष भाई मैं तेरे को 1,00,000 भेजूंगा, बेकार में बीच में टंटे आएंगे, एपी आएगा, ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, पैसा कन्वर्ट होगा, फॉरेन करेंसी के चार्जेस लगेंगे, तो एक काम देख मैंने ना इंडिया में किसी और पर्सन को कुछ गुड सप्लाई किए हुए थे और मुझे उस पर्सन से $100,000 रिसीव करना है, तो मैं काम करता हूं कि मैं तुझे $100,000 भेजूं और मैं उससे बाद में $100,000 रिसीव करूं, मैं उससे बोलकर तेरी पेमेंट डायरेक्टली रुपीज टर्म में करा देता हूं। तो बेटा क्या ये चीज अलाउड है, द आंसर इज नो। लॉ ने इस चीज को किया हुआ है बैन कि जी आप ये काम नहीं करोगे कि आप, सॉरी भाई क्या कहा इस पॉइंट ने, पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अदरवाइज देन थ्रू एपी, ये करना आपको अलाउड नहीं है। और इसमें बेटा एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल बाहर का कोई पर्सन इंडिया घूमने फिरने आया था, वो एक रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया खाना लगा और फाइनली बिल आया और वो रेस्टोरेंट के मालिक से कह रहा है लो जी मेरे पास रुपीज तो नहीं है, मैं डॉलर में आपकी पेमेंट कर जाता हूं, तो जी क्या उस रेस्टोरेंट ओनर को डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करना अलाउड होगा, द आंसर इज नो। लॉ ने क्या कहा जी आपको अगर फॉरेन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करनी है किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही करनी पड़ेगी, ऐसे आप डायरेक्टली डॉलर रिसीव नहीं कर सकते, ये करना आपको परमिटेड नहीं है। इस चीज पर भी बैन लगाया सेक्शन नंबर 3 ने। और फाइनली बेटा यहां पर एक सेक्शन नंबर या पॉइंट नंबर 4 आ रहा है, इस पॉइंट नंबर 4 ने जो बैन किया है वो बैन किया है हवाला ट्रांजैक्शन को, कि आपको हवाला वाली ट्रांजैक्शन भी इंडिया में करना अलाउड नहीं होगा। अब सर हवाला ट्रांजैक्शंस क्या होती है, बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा बेटा, पर आपने एक मूवी देखी होगी शिवाजी द बॉस, वहां पर हवाला ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हुआ था। फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर इंडिया में थे रजनीकांत, तो मिस्टर रजनीकांत जी यहां पर इंडिया में थे,
उन्होंने यहां पर नेताओं से लेट से 10,000 करोड़ रुपए कर लिए थे अरेंज। अब उनके पास 10,000 करोड़ रुपए हैं ब्लैक के, ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने सोचा मैं इस पैसे को किसी तरीके से यूएसए भेज दूं, यूएसए में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार रिलेटिव्स एम्प्लॉइज हैं, उनके पास ये मैं पैसा पहुंचा दूंगा और वो लोग इंडिया में फिर मेरी कंपनी को डोनेशन दे देंगे पैसा, और वो सारा पैसा वाइट के फॉर्म में, डोनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके इंडिया में आ जाएगा। अब दिक्कत क्या थी जी, वो ये पैसा रुपीस टर्म में बाहर कैश तो भेज नहीं सकते थे, बीच में कस्टम वाले पकड़ लेंगे, तो बड़ा ये काम करते हैं हवाला एजेंट। उन्होंने इंडिया में एक हवाला एजेंट को पकड़ा, इंडिया का हवाला एजेंट नंबर वन, और उस हवाला एजेंट से क्या कहा, देखो जी मैं आपको 10,000 करोड़ रुपए दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये पैसा बाहर पहुंचा दो और बाहर मेरे एक ऑथराइज्ड पर्सन को आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डॉलर पे कर देना। अब बेटा जो ये हवाला एजेंट्स होते हैं ना, इनका नेटवर्क ग्लोबली बहुत बड़ा होता है। इसने इंडिया में 10,000 करोड़ रुपए शिवाजी से रिसीव किया, शिवाजी को आपने देखा होगा तो 100 रुपए का नोट का टुकड़ा फाड़ करके दे दिया, वो आधा फटा हुआ टुकड़ा शिवाजी के पास है, आधा फटा हुआ टुकड़ा हवाला एजेंट के पास है, और ये एजेंट फिर यूएसए में अपने ही एक दूसरे एजेंट को कॉल करके गया, हवाला एजेंट नंबर बी, कि जी देखो मेरे पास इंडिया में 10,000 करोड़ रुपीस कैश फॉर्म में आ चुका है, मैं आपको ये बाकी आधा नोट का टुकड़ा भिजवा रहा हूं, और जैसे ही आपको ये बाकी नोट का टुकड़ा मिले आप इस पर्सन से बाकी आधा नोट का टुकड़ा मारना। तो बेटा हवाला एजेंट ने अपने वाला नोट का टुकड़ा अपने हवाला एजेंट को भेज दिया, शिवाजी ने अपने वाला नोट का टुकड़ा अपने उस पर्सन को यूएस में भेज दिया जो यूएस में डॉलर रिसीव करेगा, और बेटा ये पर्सन ये आधा नोट का टुकड़ा यहां लेकर गया, उसने दोनों नोट के टुकड़े मिलाए। अगर ये नोट के टुकड़े मिल गए तो हवाला एजेंट नंबर बी यूएस में बैठे बैठे उस पर्सन को डॉलर में पेमेंट कर देगा, तो बेटा डॉलर की पेमेंट वहां पर रिसीव हो जाएगी। और क्या एक काम उल्टा भी हो सकता है, यस, कि अगर उसको इंडिया में डॉलर से रुपीस भेजना था तो जी वो हवाला नेटवर्क के थ्रू ये सारा काम कर पाता है। तो आज इंडिया में हमने किसी पर्सन को रुपीस में पेमेंट कर दी, और रुपीस में पेमेंट क्यों करी, ताकि वो पर्सन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट डॉलर फॉर्म में इंडिया के बाहर किसी को दे दे। तो बेटा ये सब करना भी फेमा में अलाउड नहीं है, ऑब्वियसली हवाला ट्रांजेक्शन आर बैंड, तो ये पॉइंट नंबर डी यहीं पर इसको डील करता है। सारी चीजें हमने क्लासेस में बड़ी डिटेल में समझी थी, आई होप आपको याद आ गई हो। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं भाई, किसी भी पर्सन या पर्सन रेजिडेंट इंडिया को इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी होल्ड करके रखना अलाउड नहीं है। तो आप इंडिया में फॉरेन करेंसी वगैरह होल्ड करके नहीं सकते। अगर आप इंडिया में चाह रहे हो जी मैं अपने घर पर 10 लाख डॉलर्स रख लूं, तो नॉट अलाउड, आपको वो डॉलर एक एपी बैंक को देकर रुपीज कन्वर्ट कराना पड़ता है, देश का फॉरेन करेंसी बैलेंस आप ऊपर लेकर के जाओगे। हाँ, एक्ट में कहीं स्पेसिफिकली आपको कुछ लिमिट तक अलाउड कर दिया जाए कि जी आप इंडिया में फॉरेन कॉइंस होल्ड करके रख सकते हो, आप 2 लाख डॉलर तक अपने पास रख सकते हो, उस एक्सटेंट तक फॉरेन करेंसी रखना आपको अलाउड है। तो अगर लॉ में कहीं स्पेसिफिकली परमिटेड है उस एक्सटेंट तक तो आप पैसा रख लेना, वरना एक पीआरआई को फॉरेन करेंसी होल्ड करके रखना अलाउड नहीं है। अगला है बेटा सेक्शन नंबर 8, इसने भी क्या कहा जी, अगर एक्ट में अलाउड है तो ठीक है, वरना जब भी किसी पर्सन रेजिडेंट इंडिया को इंडिया के बाहर से कोई पेमेंट मिलने वाली है, इंडिया के बाहर से कोई पैसा आपका आने वाला है, कोई एसेट है, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो पैसा जल्दी से जल्दी आप इंडिया के बाहर से अरेंज कर लो, ताकि देश का फॉरेन करेंसी का बैलेंस इंप्रूव हो। तो ये भी एक रिकमेंडेटरी सेक्शन था। एंड फाइनली बेटा सेक्शन नंबर 9, इसने क्या कहा जी, इंडिया के बाहर से पैसा लाना, पैसा अरेंज करना, रिपेट्रिएट बैक करने वाली बातें उन सारी या उस लिमिट तक अप्लाई नहीं करेंगी जितनी लिमिट आरबीआई कर देगा अलाउ। मतलब अगर आरबीआई कह दे कि जी आपने अगर एक्सपोर्ट किया है 9 महीने में भी पेमेंट आएगा तो ठीक है, आप बाहर से घूमकर आए हो, अगर आप बाहर से कोई सिक्के ले आए, आप जितने मर्जी चाहे फॉरेन कॉइन्स होल्ड करके रख सकते हो इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर से आए इंडिया में आप 2,000 US डॉलर तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी लिमिट आरबीआई ने लगाई है। तो अगर आरबीआई आपको अलाउ कर दे तब कंपनी आप ये काम कर पाओगे। तो बेटा ये सारी बातें आए आपकी फेमा के कुछ बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की। एंड फाइनली बेटा लास्ट कुछ प्रोविजंस यहां पर आ रहे हैं जो फेमा में अगर आपने लॉ ब्रेक किया तो क्या होगा वो आपको समझा रहे हैं। तो बेटा अगर आप फेमा ब्रेक करते हो ऐसे केस में फेमा ब्रेक करने की पेनल्टी कितनी है, 3 times द सम्स इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रावेंशन, और अगर सम क्वांटिफिएबल नहीं है तो 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी है, और कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस के केस में 5,000 रुपीज पर डे की पेनल्टी आप पर अप्लाई कर जाएगी। अगली बात कह रहे हैं जी, अगर आपने फेमा को ब्रेक करते हुए कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी, कोई भी सिक्योरिटी एक्वायर करी थी फेमा के लॉ को तोड़ते हुए, सरकार उसे कॉन्फिस्केट कर सकती है। आप पर अगर पेनल्टी लगी और 90 दिन में आपने पेनल्टी पे नहीं करी, तो ऐसे केस में बेटा अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा पेनल्टी का अमाउंट था 3 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है, और किसी और केस में 6 महीने के जेल। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, फेमा वैसे है आपका एक सिविल ऑफेंस, अगर आप फेमा तोड़ते हो तो इसको एक सिविल ऑफेंस माना जाता है, और अगर आप पेनल्टी पे ना करो तो आपको सिविल इंप्रिजनमेंट इतने टाइम की फेस करनी पड़ती है। फेमा होता है एक सिविल ऑफेंस, पर इसके बाद बेटा हम एक और कानून पढ़ते थे पीएमएलए, पीएमएलए आपका एक क्रिमिनल एक्ट है, फेमा एक सिविल एक्ट है, पीएमएलए एक क्रिमिनल एक्ट है। इसीलिए बेटा यहां पर लॉ ने एक और बात क्या कही, अगर फेमा तोड़ने पर आप पर कभी भी पेनल्टी इंपोज हो जाए,
आप अगले 180 दिन में जाकर माफी मांग सकते हो और फेमा के ऑफेंसेस को आप कंपाउंड करवा सकते हो। अगर आपका ऑफेंस कंपाउंड हो गया तो ऐसे केस में आप एक कंपाउंडिंग फीस पे करते हो, आप उस केस में जेल जाने से या फाइन पे करने से बच जाओगे। तो बेटा फेमा के जो ऑफेंसेस होते हैं वो होते हैं कंपाउंडेबल। और सर फेमा में पेनल्टी जो लगेगी लगाएगा कौन? तो बेटा फेमा में पेनल्टी लगाने की पावर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। तो उन्होंने कहा जी सेंट्रल गवर्नमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी, दैट इज अपने किसी ऑफिसर को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरह कहेगी कि जी मैं आपको फेमा में फाइन या पेनल्टी लगाने की पावर दे रही हूं। मतलब सीजी जिसको भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डेलीगेट कर देगी बेटा वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फेमा के नॉन कंप्लायंस चेक करेगा और जिस जिसने नॉन कंप्लायंस किया है उस पर पेनल्टी लगाएगा। अब सवाल उठता है सर सेंट्रल गवर्नमेंट किसको फेमा में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरह करती है अपॉइंट? बेटा फेमा के एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वो किसके पास है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। और आपने टर्म जरूर सुनी होगी ईडी। ईडी का इस्तेमाल तो हमारी करंट बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा किया है। हर हफ्ते मैं कहूंगा आपको कभी ना कभी ईडी के बारे में न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता होगा कि जी नोरा फतेह के पीछे भी ईडी लगी थी, जैकलिन फर्नांडिस के पीछे भी ईडी लगी थी, मनीष सिसोदिया के पीछे भी ईडी है। तो ये जो ईडी है बेटा ये आपकी फेमा एज वेल एज पीएमएलए दोनों एक्ट्स की अथॉरिटी है। तो ये फेमा का नॉन कंप्लायंस भी चेक करती है एंड लाइकवाइज पीएमएलए का नॉन कंप्लायंस भी चेक करती है। तो जी यहां पर ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को करेगी अपॉइंट, जिसमें टॉपर तो होते हैं डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, उनके साथ यहां पर आपको कुछ एडिशनल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर देखने को मिल जाते हैं। इन सबको भी सीजी डायरेक्टली करती है अपॉइंट। मतलब ईडी के ऊपर बेटा डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि इसके सारे ऑफिसर्स कौन अपॉइंट कर रही है? सीजी। तो ये जितने भी ऑफिसर्स आपने देखे इनको सीजी खुद अपॉइंट करती है। हाँ इनके नीचे अगर कोई और ऑफिसर चाहिए तो बेटा ये डायरेक्टर्स उनको अपॉइंट कर लेते हैं, पर ईडी अगर आप देखोगे डायरेक्टली किसके इन्फ्लुएंस में है? सीजी, क्योंकि पार्लियामेंट ने क्या कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट हम आपको पावर दे रहे हैं ईडी के ऑफिसर अपॉइंट करने की। और बेटा जो ये ईडी के ऑफिसर्स होते हैं इन्हीं को सेंट्रल गवर्नमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की भी पावर दे देती है कि जी हम आप ही को कह रहे हैं कि आप ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो, तो फेमा में किसी पर भी पेनल्टी वगैरह लगानी हो आप पेनल्टी नोटिस इशू करना। तो एडजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी होती है वो जनरली ईडी के ऑफिसर्स ही होते हैं, उन्हीं को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के तौर पर किया जाता है अपॉइंट। और एक और चीज बताना बेटा, आज मैं बाहर घूमने गया, इंडिया के बाहर से मैं डॉलर्स लेकर के आ रहा हूं, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहा हूं जो मेरे को नहीं लानी चाहिए और मैं फेमा का नॉन कंप्लायंस कर रहा हूं, तो बड़ा एयरपोर्ट पर जनरली पकड़ने के लिए मैं कौन होता है? कस्टम अथॉरिटीज। अब बड़ा कस्टम अथॉरिटी अगर मुझे पकड़ेगी मैं कहूंगा जी आप कस्टम एक्ट के लिए मेरे को पकड़ो, फेमा के नॉन कंप्लायंस के लिए आप क्यों पकड़ रहे हो? उसके लिए तो ईडी के अफसर आएंगे। तो इसलिए अगले पॉइंट ने क्या कह दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी भी पुलिस ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर को ईडी की पावर दे सकती है। मतलब वो कहती है जी एयरपोर्ट पर वो जो कस्टम ऑफिसर बैठा है वही ईडी का भी काम संभालेगा, और जी एयरपोर्ट पर आप चेक करना कि लोग कस्टम एक्ट को भी ब्रेक ना करें और फेमा को भी ब्रेक ना करें, वो पावर हम आप ही को दे रहे हैं। तो बेटा सीजी चाहे तो किसी भी पर्सन को ईडी की पावर दे सकता है, और एक बार अगर ईडी का गठन हो गया तो बेटा उसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जाएगी अपॉइंट। तो जी ईडी के फॉर एग्जांपल हमने कहा जी ये असिस्टेंट डायरेक्टर को हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बना रहे हैं और बेटा वही यहां पर पेनल्टी इंपोज करता है। तो ए या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडजुडिकेट्स पेनल्टी वेयर अ पर्सन इज लाइकली टू एब्सकॉन्ड द पेमेंट ऑफ पेनल्टी डायरेक्टिंग सच पर्सन टू फर्निश बॉन्ड और गारंटी एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ द कंप्लेंट विद इन वन ईयर। तो बेटा पेनल्टी लगाने की पावर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। और मैंने कहा जी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जनरली किसको अपॉइंट किया जाता है? ईडी के ऑफिसर्स को। बेटा जो ईडी के ऑफिसर्स होते हैं कुछ ऑफिसर्स तो होते हैं जूनियर लेवल के, कुछ ऑफिसर तो होते हैं सीनियर लेवल के। तो लॉ ने क्या कहा जी अगर किसी पर्सन पर पेनल्टी लगाई है ईडी के जूनियर ऑफिसर ने, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट या डेप्यूटी डायरेक्टर ने, और कोई पर्सन को वो पेनल्टी सही नहीं लग रही, उन्होंने कहा जी असिस्टेंट या डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ईडी ने गलत पेनल्टी लगाई है, तो आप उसके अगेंस्ट विद इन 45 डेज अपील फाइल कर सकते हो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के पास। तो बेटा ईडी में ही एक अपील्स का अलग से डिपार्टमेंट होता है, जैसे इनकम टैक्स में अपील का अलग से डिपार्टमेंट होता है ईडी में भी अपील का अलग से डिपार्टमेंट है। आप उस स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के पास 45 दिन कोई जस्टिफिएबल ग्राउंड है वो एक्सटेंड भी कर देंगे टाइम को, आप अपील फाइल करिए। उन्होंने आपकी अपील सुनी आप उससे भी खुश नहीं हो तो आप अगले 45 दिन में अपील फाइल कर सकते हो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो फेमा में एक एटी अपॉइंटेड है, आप इसके पास अपील फाइल कर पाओगे। पर अगर आप पर पेनल्टी लगाई थी फेमा के किसी सीनियर ऑफिसर ने अदर देन असिस्टेंट या डेप्यूटी डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल बेटा डायरेक्टर ने या स्पेशल डायरेक्टर ने आप पर सीधे पेनल्टी लगाई थी, तो ऐसे केस में फिर आप अपनी अपील स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के पास लेकर के मत जाना।
बिकॉज ईडी का एक सीनियर ऑफिसर आप पर पेनल्टी लगा रहा है, तो ऐसे केस में आप अपनी अपील सीधा 45 दिन में फाइल करते हो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो बेटा आप अपील में जा सकते हो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, और अगर आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के भी डिसीजन से खुश नहीं हो तो बेटा आप अपील फाइल कर सकते हो अगले 60+60 days में हाई कोर्ट के पास। पर ध्यान रखना, हाई कोर्ट को आप परेशान कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। तो बेटा ये अपील की फाइल आ जाती है अंडर दी फेमा। एंड फाइनली बेटा जाते जाते फेमा में पार्लियामेंट ने सीजी को क्या पावर्स दी कि सीजी आप चाहो तो आप आरबीआई को डायरेक्शंस दे सकते हो कि आरबीआई फेमा का रेगुलेशन सही से करो, और आरबीआई अपना काम सही से ना करे सीजी आप उन्हें डायरेक्शंस दे देना। अगली बात आई कॉन्ट्रावेंशन फॉर कंपनी। फॉर एग्जांपल बेटा किसी कंपनी ने पेनल्टी पे नहीं करी तो क्या कंपनी को भी जेल हो सकती है? सर कंपनी को जेल में कैसे डालेंगे? तो लॉ ने कहा जी अगर कंपनी कोई कॉन्ट्रावेंशन करती है तो कंपनी के बिहाफ पर जेल वगैरह कौन जाएंगे? उसके ऑफिसर्स। पर अगर वो ऑफिसर साबित कर दे कि उस कंपनी के इस नॉन कंप्लायंस में मेरा कोई हाथ नहीं था तो वो बच सकता है। और ध्यान रखना यहां पर ये सारी बातें किस पर अप्लाई कर जाएंगी? सिमिलरली ये बातें अप्लाई करेंगे किसी बॉडी कॉर्पोरेट पर, फर्म पर या एओपी। मतलब अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने फेमा को तोड़ा तो ऐसे केस में उसका जो पार्टनर है वो पार्टनर जेल जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात आई। अगले पॉइंट ने क्या कहा? डेथ और इंसॉल्वेंसी इन सर्टेन केस। फॉर एग्जांपल बेटा किसी पर फेमा का केस चला और केस चलते चलते वो चल बसे, तो ऐसे केस में क्या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम में केस कंटिन्यू हो जाएगा? यस। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव फेमा को वो फाइन पेनल्टी पे करने को लायबल होंगे? यस, बट ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ द एस्टेट इनहेरिटेड। एंड लास्टली बेटा लेट सपोज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोरा फतेही जी पर केस कर दिया, जैकलिन फर्नांडिस पर केस कर दिया, और जी बाद में पाया गया कि वो निर्दोष थे और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट या ईडी पर ही केस ठोक दिया कि जी आपने हम पर जो ईडी का एक केस चलाया उसकी वजह से हमारी काफी सारी मान हानि हुई, और उन्होंने बेटा यहां पर डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। देश में आजकल डिफेमेशन का केस बहुत फाइल हो रहा है, उन्होंने सरकार पर ही डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया कि जी आपका हम पर केस चलाने की वजह से हमारी इमेज को नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से हमें फिल्म करने में दिक्कत आ रही है, तो हम चाहते हैं आप डैमेजेस पे करो। बेटा क्या सरकार वो डैमेजेस पे करने के लिए लायबल होगी? द आंसर इज नो। बिकॉज आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई या उनके ऑफिसर्स गुड फेथ में अगर फेमा का कोई काम करते हैं तो कल को उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। एंड बेटा दिस इज ऑल अबाउट हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो मैंने पूरी कोशिश करी है बेटा कि विद इन मिनिमल टाइम मैं आपको फेमा की सारी बातें यहां पर रिकलेक्ट करा पाऊं। हाँ, आपके सिलेबस में फेमा की कुछ मास्टर डायरेक्शंस, कुछ रेगुलेशंस भी है, वो हम यहां पर कवर नहीं कर रहे हैं। हमने यहां पर टारगेट बनाया था अपने मेन फेमा की सारी बातों को कवर करना। तो हमने फेमा को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हुए पढ़ा। पहले हमने वही पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया की डेफिनेशन या बातें जानी, फिर कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एंड फाइनली फेमा की कुछ मिसलेनियस बातें। एंड दिस इज ऑल अबाउट बेटा हमारा फेमा। ये आपका 5 पेज, मैं कहूंगा 6 पेज, जिसमें समराइज्ड भी है। इससे आपकी सारी बातें हो जाती हैं रिकलेक्ट। आपको वीडियो जैसी भी लगे बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिकॉज ये आपको 2 घंटे की मेहनत दिखती है। एंड जब मैं क्लासेस में भी पढ़ाता हूं आपको लगता है 3-4 क्लास में फेमा हो गया, पर ये सारा कंटेंट प्रिपेयर और कंपाइल करने में ट्रस्ट मी बहुत महीनों और बहुत सालों की मेहनत है। तो मैंने अपनी बहुत महीनों और सालों की मेहनत आज आपके सामने पेश करी है। आपको जैसा भी यहां पर लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स एंड फीडबैक ही हमें आगे मोटिवेट करते हैं इस टाइप की वीडियोस लाने के लिए। तो बेटा अपना फीडबैक जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको किसी भी और टॉपिक में हेल्प चाहिए यू कैन लेट मी नो। पर तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड विश यू ऑल द सक्सेस।